हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। वॉल्यूम 2 एपिसोड 1 कहानी अब तक। हार और जीत दोनों में झूमने वाले बहुत ही कम हुए हैं, मैं उन्हीं में से था। मथुरा के एक कारागृह में पैदा होकर भी मैं पिता वासुदेव की बदौलत मौत को मात दे सका, जो मुझे उस अंधेरी तूफानी रात में मथुरा के निकट स्थित गोकुल नामक गांव ले गए। मेरा बचपन मेरी प्यारी माँ यशोदा के दुलार में बीता और बड़ा होते होते तो मैं गोकुल में सबकी आंखों का तारा बन गया। हालांकि मेरा बचपन मामा कंस के चलते संकट व संघर्षों से घिरा रहता था, लेकिन मैं कृष्ण था, एक कर्मवीर जिसने कभी हार नहीं मानी और हर संकट पर विजय पाई। ऐसे में संकटों को मात देना और जीतना जल्द ही मेरा स्वभाव हो गया। जब मैंने देखा कि मनुष्यता की परवाह किए बगैर इंद्र पूजा जैसी पुरानी परंपराओं का पालन हो रहा है, तब मैंने इसका पुरजोर विरोध किया, विरोध कर इसे रुकवाया। जब भेड़ियों के झुंड ने मेरे सुंदर गांव गोकुल पर हमला किया, तब मैंने गोकुलवासियों के साथ स्थानांतरण का फैसला किया और यमुना नदी के किनारे गोवर्धन पहाड़ी के तलहटी में स्थित वृंदावन में आश्रय लिया। बड़ा होते होते मेरा आकर्षण कई गुना बढ़ गया और ऐसे में वृंदावन की हर गोपी के हृदय में बस एक ही नाम धड़कने लगा, कान्हा। लेकिन सबके दिलों पर राज करने वाला यह कान्हा, जिसके वंशी वादन ने और जिसकी मनमोहक हंसी ने वृंदावन की गोपियों पर अपना जादू बिखेर रखा था, वही कान्हा एक दिन राधा की खूबसूरती पर बुरी तरह से मर मिटा था। और फिर वही राधा आगे चलकर मेरे जीवन का प्यार भी बनी और मेरी प्रेरणा भी। वही राधा मेरी दोस्त भी बनी और मार्गदर्शक भी। खैर, मेरे लिए जीवन उतार चढ़ावों से भरी एक खूबसूरत यात्रा थी। जहाँ कभी मैं केशी और पूतना जैसे राक्षसों का सामना करता, तो कभी राधा और गोपियों संग रासलीला रचकर आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव करता। मैंने सोचा था कि मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा, जहां वृंदावन का यह ग्वाला कभी गोपियों के साथ रास रचाएगा तो कभी राक्षसों का मुकाबला करेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल एक अप्रत्याशित और रोचक घटना मेरे साथ तब घटी जब मामा कंस ने मुझे मथुरा में आमंत्रित किया। हालांकि मैं यह हमेशा से ही जानता था कि वे मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह सब कुछ इतनी जल्दी घटित होगा। हुआ यह कि जब मैं मथुरा पहुंचा, तब उन्होंने षड्यंत्र रचकर इस धरती पर से मेरा नामो निशान मिटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं बच निकलने में कामयाब रहा। मगर जब उन्होंने पिताजी और गोपो समेत सभी को मारने का आदेश दिया, तब कोई रास्ता न देख मुझे उनका वध करना पड़ा। क्योंकि मेरा यह हमेशा से मानना था कि जब कोई मनुष्यता के लिए खतरा हो जाए, तब उसका खात्मा जरूरी है। हालांकि मैंने उसकी हत्या निस्वार्थ भाव से ही की थी, लेकिन मुझे इसका भान था कि इससे मैं अपने जीवन को बड़े जोखिम में डाल रहा हूँ। मुझे लग ही रहा था कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझ जैसे एक साधारण ग्वाले ने मथुरा के राजा का वध उसी के प्रजा के सामने किया था। अब उसके सिपाही क्या करेंगे? मथुरा की प्रजा की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या उनके राजा की हत्या करने के लिए मुझे सजा दी जाएगी या फिर मेरे जीवन को बख्शा जाएगा? मेरा मथुरा की राजगद्दी ठुकराना। उधर पूरे प्रांगण में अब भी खलबली मची हुई थी। कुछ लोग तो मारे भय के घर लौटने लगे थे, पर बाकी लोग उत्सुकतावश अब भी डटे हुए थे। सब कुछ ठीक होता देख
मैं भी काफ़ी हद तक निश्चिंत हो गया था। और कहने की ज़रूरत नहीं कि निश्चिंत होते ही गुस्ताख निगाहें एक बार फिर रुक्मिणी से जा टकराया। अब तक वह भी सामान्य हो चुकी थी और सच कहूँ तो शांत रुक्मिणी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसकी इस भोली शक्ल पर ऐसी फिदा हुआ कि हाथ हिलाते हुए उसका अभिवादन कर बैठा। और आप मानेंगे नहीं कि प्रत्युत्तर में उसने भी खड़े होकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैं तो पागल हो गया, मुझे राजकुमारी से ऐसे प्यारे प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी। मारे खुशी के ऐसा तो झूम उठा कि पांव जमीन पर पड़ने ही बंद हो गए थे। लेकिन क्या बताऊं, मेरी यह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि तभी वहां आए रुक्मिणी ने यह नज़ारा देख लिया। पता नहीं क्यों रुक्मिणी द्वारा मेरा यह अभिवादन करना उसे पसंद नहीं आया। उसने रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। मुझे अपनी रुक्मिणी पर यह ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगा। मैं उदास हो गया। सच कहूँ तो रुक्मिणी के व्यवहार ने मुझे यह पक्का एहसास करा दिया था कि अभी रुक्मिणी मेरी नहीं, अभी मैं इस सदमे से उभर पाऊँ उससे पहले एक और झटका लग गया। अचानक सेनापति को क्या सूझी कि वे स्वयं कड़ी सुरक्षा के बीच राजमहल की महिलाओं, राजकुमारियों तथा युवराजों को राजमहल ले गए। अफसोस यह कि साथ में रुक्मिणी भी चली गई। यानी सेनापति जी ने मेरा एहसास और पक्का करा दिया। बस मैं इस खचाखच भरे प्रेक्षागृह में दुखी मन से जाती हुई अपनी सपनों की रानी को निहारता रह गया। खैर, उसके जाते ही मैं पूरी तरह प्रांगण में आ गया। यह भी मेरे मन की एक अद्भुत विशेषता थी जो एक रंग से दूसरे रंग में आने में क्षण भर नहीं लगाता था। यूं भी आज यह गुण बड़ा महत्वपूर्ण था। पल पल बदलती परिस्थिति व तेजी से घट रही घटनाओं पर पैनी नज़र बनाए रखने हेतु एक इसी गुण का आसरा था। बस रुक्मिणी प्रस्थान के साथ ही मैं पूरी तरह होश में आ गया और होश में आते ही मैं पूरी तरह सावधान भी हो गया। अब इतने बड़े राजा के हितैषी भी तो जरूर होंगे ही जिन्हें मेरा कंस वध करना अच्छा नहीं लगा होगा। कहीं ऐसा न हो वह कंस की मौत का बदला लेने हेतु मुझ पर हमला बोल दे। यानी मैं चाहूँ न चाहूँ एक और संघर्ष की तगड़ी संभावना बनी हुई थी और निश्चित ही ऐसे में राजकीय दीर्घा में रुकना सुरक्षित नहीं कहा जा सकता था। बस यह विचार आते ही मैं तुरंत भैया के साथ राजकीय दीर्घा से पलायन कर सामान्य दीर्घा के सामने जाकर खड़ा हो गया। और दौड़ तो ऐसी लगाई थी कि मानो मौत ही आ गई हो, आ ही सकती थी क्योंकि कोई भी अप्रत्याशित हमला राजकीय दीर्घा में ही हो सकता था। सीधे तौर पर कंस के अधिकांश हितैषी यहीं मौजूद थे। इससे तो मैं प्रजा के मध्य ज़्यादा सुरक्षित था, वैसे रहूं कहीं भी पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। यह भान भी बना हुआ ही था। नज़ारा ऐसा था कि मैं सामान्य प्रेक्षागृह में आम जनता के बीच खड़ा था। हर कोई मुझे विस्मय भरी निगाहों से निहार रहा था। वैसे यहाँ से भीड़ लगातार कम होती चली जा रही थी। एक समय खचाखच भरे इस प्रांगण में इस समय आराम से आवक जावक संभव थी। दूसरी ओर अब तक राजकीय दीर्घा तो करीब करीब खाली हो चुका था। खाली तो दूर से ही वहाँ पड़ा कंस का सिंहासन भी नजर आ रहा था। हाँ, 20-30 हथियार बंद सिपाही अवश्य उसके आसपास अब भी चहल कदमी कर रहे थे। करने दो, यहाँ नहीं आ रहे तब तक कोई खतरा नहीं। कुल मिलाकर मेरी निगाहें अभी लगातार राजकीय प्रेक्षागृह पर ही बनी हुई थी। मैं वहाँ की हर छोटी से छोटी गतिविधि पर लगातार नज़र रखे हुए था। तभी कंस की दोनों पत्नियाँ अस्ति व प्राति
यानी मेरी मामियाँ कंस की लाश के पास आकर विलाप करने लगी। उन बेचारियों का मातम लाजमी ही था, वह उससे मुझे कोई खतरा भी न था। हाँ, यह बात अलग थी कि उनका रोदन बड़ा ही व्यापक था। उनमें से प्रथम रानी तो विलाप करते करते ही बोल पड़ी, आप इतने बलिष्ठ, बलवान व श्रेष्ठ थे, आप कैसे मर गए? आपने हमें इतना प्रेम दिया था कि अब हम अनाथ व विधवा बनकर कैसे जिएंगे? आप जो हमें परम सुख देकर पाल रहे थे, अचानक हमें दीनता का जीवन व्यतीत करने के लिए अकेले क्यों छोड़ गए? यह तो ठीक, पर उधर प्रथम को इस तरह विलाप करते देख दूसरी से भी नहीं रहा गया। वह तो और जोर जोर से दहाड़े मारते हुए बोली, आपके प्रेम में कमी क्यों आ गई? आप हमें साथ क्यों नहीं ले गए? भला अब हम जीकर क्या करेंगे? इधर सच कहूँ तो घटनाएं यहाँ इतनी तेजी से घटी थी कि मामियों का विलाप देख मुझे पहली बार पक्का यकीन हुआ था कि सचमुच मेरे हाथों महाराज कंस का वध हो गया है। वरना तो रह रह कर अभी मुझे यह सपना सा ही भास रहा था। स्वाभाविक तौर पर एक 18 वर्षीय लड़के के हाथों अपने महाराज का वध हो जाना कोई सामान्य घटना तो थी नहीं। वृंदावन का एक साधारण सा ग्वाला, जिसका पूरा गांव ही कंस की दी हुई गाय भैंसों से पलता हो, उसके हाथों अपने शक्तिशाली राजा की हत्या हो जाना बात तो हर दृष्टिकोण से चौंकाने वाली ही थी। यह भी ठीक, पर इस समय तो मामियों के रोदन ने मुझे पूरी तरह चौंका के रख दिया था। सच तो यह है कि उनके इस लगातार के रोदन ने मुझे एक नई ही चिंता में डाल दिया। मेरा माथा चकराने लगा। अचानक मेरे जहन में लोहिता की लाश पर विलाप करती हुई उसकी पत्नी की याद ताज़ा हो गई। आपको भी याद होगा कि जिसके विलाप ने भीड़ को बुरी तरह उकसा दिया था, यह भी मैं अच्छे से जानता था कि भीड़ साधारणतः कमजोर सहानुभूति का शिकार होती ही है, और ऐसे में अक्सर वह बगैर सोचे जल्दी ही उस ओर झुक जाती है जिस पर संकट आया होता है। और निश्चित ही इस समय संकट मामियों पर आया था। यही नहीं, दुर्भाग्य से इस समय मैं भी भीड़ के साथ ही खड़ा हुआ था। कुल मिलाकर अजब हालत हो गई थी मेरी। कंस की हत्या होते तो हो गई थी, लेकिन इस समय मैं स्वयं को कहीं सुरक्षित नहीं पा रहा था। मेरे लिए न तो राजकीय प्रेक्षागिरी सुरक्षित था और न ही सामान्य जनता का यह प्रांगण। तभी तो कहते हैं कि अपने से बड़े बिल में घुसने से पहले हजार बार सोच लेना चाहिए। खैर, आखिर कोई आसरा न देख मैंने तुरंत दूर खड़े ग्वालों को अपने पास बुला लिया। सोचा संकट की इस घड़ी में दो से चार भले। दूसरी ओर भैया को कोई चिंता नहीं थी। वे तो जहां मैं जाता वहां लहराते हुए साय की तरह मेरे पीछे पीछे चले आते थे। वैसे भी उनके लिए यह सोचने समझने से ज़्यादा आसान बल प्रयोग ही था होगा। वैसे इस समय वह भी अति महत्वपूर्ण था। यहाँ की परिस्थितियों में उसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती थी, खासकर यह देखते हुए कि उधर मामियों का रोदन अब भी चालू था। निश्चित ही वे दोनों काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी। कंस की पत्नियां होने के नाते उनका दुख लाजमी भी था, लेकिन यहाँ उनका बढ़ता दुख मेरे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। उसका क्या? सच कहूँ तो मुझे तो इस समय क्या करूँ क्या न करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इधर मामियों के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तो उल्टा समय के साथ उनका रोदन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक रानी बिलखते हुए बोली, आप हमेशा मुलायम बिस्तर पर सोते थे, आज जमीन पर लेटे हुए आपको कष्ट नहीं हो रहा है? इतना कहते वह और जोर से दहाड़े मारकर रो पड़ी। अब मरे को बिस्तर क्या व जमीन क्या, व्यर्थ का रोदन कर भीड़ को भावुक कर रही है। या अभी यह सब सोच में झल्लाना शुरू ही हुआ था कि तभी रोते हुए कंस की माता जी भी वहां आ पहुंची। यानी मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ का दर्द भी निराला था। वह तो अपने पुत्र की लाश देखकर बार बार मूर्छित हो रही थी।
बीच बीच में गलती से होश में आती तो भी हाय मेरा पुत्र कहकर चिल्लाती हुई फिर बेहोश हो जाती। यह भी खूब रही ना, यानी कुल मिलाकर समस्या सुलझने की जगह और उलझती जा रही थी। और मज़े की बात यह कि समस्या देने वाले सब थे मेरे रिश्तेदार ही। अब कंस की माँ मेरी नानी ही हुई ना, वहीं कंस की पत्नियाँ भी मेरी मामियाँ ही हुई, यानी मेरी जान पर बन आई थी मेरे ही रिश्तेदारों के कारण। समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार दर्शन होने की खुशी में नानी को प्यार करूं, उनके आशीर्वाद लूं या फिर उन पर क्रोध करूं। समझ में तो यह भी नहीं आ रहा था कि भला ऐसे दुष्ट पुत्र के लिए इतना विलाप क्यों। अरे मेरी प्यारी नानी, बस करो, समझ नहीं आता कि इससे तुम्हारे नाती पर संकट गहरा जाएगा। याद करो मेरी प्यारी नानी, इसी ने आपके पति व मेरे नाना जी को वर्षों से कैद कर रखा है, फिर भला आप उसके लिए विलाप क्यों कर रही हैं। खैर, अब यह सब बातें नानी को कौन समझाए। निश्चित ही मेरी यह सारी बातें मन में ही चल रही थी। नानी तक तो जाया नहीं जा सकता था, वहाँ तो जान पर और भी गहरा संकट था। मैं भी कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ, आज नानी के पहली बार दर्शन हुए भी तो किन हालातों में। वैसे तो मामियों को भी आज पहली बार ही ध्यान से देखा था, वे दोनों थी भी सगी बहनें व लगती भी थी। ना सिर्फ शक्ल से बल्कि अपने रोदन से भी होगा। सबसे बड़ा अजूबा तो यह कि रिश्तेदारों की इन मुलाकातों में आज मेरी मामा कंस से भी पहली व अंतिम मुलाकात हो ही चुकी थी। अर्थात 18 वर्ष बीत जाने के बाद आज अपने अंतरंग रिश्तेदारों से कैसे और किस हाल में मुलाकात हो रही थी। वाह रे कुदरत और वाह रे तेरा यह कृष्ण। खैर, सौ बातों की एक बात यह कि इस समय नानी और मामियों का रोदन मेरी जान का शत्रु बनता जा रहा था। उनका यह लगातार का रोना धोना कभी भी मथुरा में मेरे खिलाफ वातावरण खड़ा कर सकता था। यूं भी भीड़ हमेशा से भावुक रही है, वह भावनाओं में अच्छे बुरे का भान भुलाकर कुछ भी कर गुजारने के लिए ही मशहूर ही है। यूं भी भीड़ हमेशा से भावुक रही है, वह भावनाओं में अच्छे बुरे का भान भुलाकर कुछ भी कर गुजारने के लिए मशहूर ही है। वहीं यह भी सत्य है कि इन पागल भावुकों के कारण ही इतने उपद्रव होते हैं। उससे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य या तो भावुक हो जाता है या क्रूरता पर उतर आता है। मध्य में रहना उसे आता ही नहीं है। मैंने भगवत गीता में अर्जुन से यही तो कहा था, जो अत्याचारी और क्रूर है वह तो पापी है ही, और मैं उनका विनाश अवश्य करता हूँ। लेकिन याद रख अर्जुन, जो भावुक हैं वे भी पापी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपना विनाश स्वयं करते हैं। आपको याद ही होगा कि उस क्षण अर्जुन भी भावनाओं में बहकर स्वयं का विनाश करना चाहता था। तभी तो मैंने उससे कहा था कि तू सब ओर से स्पृहा रहित और ममता रहित हो जा, क्योंकि जो ममता कर्म के आड़े आ जाए वह दो कौड़ी की होती है। मैंने भगवद गीता में जो कुछ कहा था वह मैंने जीवन भर अनुभव किया था। तभी तो कहता हूँ कि गीता और कुछ नहीं मेरे जीवन के अनुभवों का सार है। आप तो जानते ही हैं कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर व्यक्ति से सीखना, उस पर चिंतन करना और फिर उसका विश्लेषण करना, यह सब मेरा स्वभाव था। और इस लिहाज से भगवत गीता और कुछ नहीं बस जीवन के मेरे उन सारे अनुभवों का निचोड़ मात्र थी। मेरी सीखने समझने की आदत का आलम तो यह था कि मामियों का रोदन भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहा था। निश्चित ही इस समय मामियों के रोदन व उनकी बातों से स्पष्ट था कि मनुष्य कितना ही दुष्ट क्यों न हो, वह अपने आसपास के कुछ लोगों से प्यार अवश्य करता है। स्वाभाविक तौर पर वह जिनसे प्यार करता है उनसे अच्छा व्यवहार भी करता ही है।
यानी दुष्टता मनुष्य में भी कहीं ना कहीं मनुष्यता तो जीवित रहती ही है। निश्चित ही उसी तर्ज पर कंस का भी मामियों से व्यवहार अच्छा ही रहा होगा, तभी तो मामियाँ इतनी दुखी हो रही थी। अर्थात दुष्टों के भी चाहने वाले तो होते ही हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध उनके आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है, उसके जीवन के कर्मों या उसके व्यक्तित्व से किसी को कुछ लेना देना नहीं। परंतु मेरी दृष्टि में यह गलत है। कायदे से तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध उसके वास्तविक व्यक्तित्व पर निर्भर होना चाहिए। यदि कंस दुष्ट है तो दुष्ट है, फिर भले ही उसका मामियों के साथ का व्यवहार अच्छा हो तो भी कायदे से मामियों को कंस से नाराज ही रहना चाहिए। मेरा तो मनुष्यों से संबंध कभी भी उसका मेरे प्रति व्यवहार कैसा है उस पर निर्भर नहीं रहा। मैं तो हमेशा संपूर्ण मनुष्यता के साथ उसका क्या व्यवहार है उसी को तवज्जो दी, और होना भी यही चाहिए। खैर, वहीं एक और चीज़ जो मैं इस समय समझ रहा था वह यह था कि कभी कोई व्यक्ति अकेला नहीं मरता, उसके साथ उसका पूरा परिवार, उस पर आश्रित लोग और उसके चाहने वाले सभी मरते हैं। बस क्या था, उसी क्षण मैंने तय किया कि किसी भी मनुष्य की हत्या समस्या का आखिरी उपाय होना चाहिए। जब तक समस्या सुलझाने का कोई दूसरा रास्ता हो, व्यर्थ किसी की भी हत्या नहीं की जानी चाहिए। हालांकि आज कंस की हत्या भी मैंने अंतिम उपाय के तौर पर ही की थी। उसने मुझे पागल हाथी से मरवाना चाहा, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ था। मुझे खत्म करने हेतु उसने योजनापूर्वक मेरा युद्ध चानूर के साथ रखा, फिर भी मुझे उस पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि तब तक वह सिर्फ मेरा शत्रु था। लेकिन जब सवाल तमाम गोपों व पिताजी समेत अन्य मथुरावासियों का आ खड़ा हुआ, तब मजबूरन मुझे उसका वध करना पड़ा। कहने का तात्पर्य, जो सिर्फ मेरी जान का दुश्मन है या मुझसे नफरत करता है, उसे मैं अपना शत्रु कभी नहीं मानता। मैं तो शत्रु उसे मानता हूँ जो मनुष्यता का दुश्मन हो, यानी जिससे अन्यों का जीवन नरक होता हो, वही मेरा वास्तविक शत्रु है। आप मानेंगे नहीं कि यही कारण है कि कंस की हत्या करते वक्त मेरे मन में कतई न तो माँ देवकी का दर्द था, न मारे गए मेरे भाइयों का दुख, और न ही उसके मुझे मारने के लिए किए गए प्रयासों पर क्रोध था। वह सब तो बीत चुका था, और जो बीत गया मेरी दृष्टि में कंस उसका निमित्त मात्र था। प्रतिशोध मेरा स्वभाव नहीं था, और उस दृष्टि से समझा जाए तो मैं भी जो भयानक घट सकता था उसे रुकवाने का निमित्त मात्र था। अतः मेरे द्वारा की गई कंस की हत्या भी एक निमित्त के तौर पर ही देखी जानी चाहिए। प्रतिशोध, दुश्मनी या क्रोध स्वरूप कतई नहीं। खैर, चिंतन व सोच विचार काफ़ी हो चुका। अभी वर्तमान हालत पर लौट आऊँ तो माजरा अजब जमा हुआ था। क्रूर कंस मर चुका था, नानी मूर्छित थी, भावुक मामियाँ रो रही थी, और दूर खड़ा मैं भावनाओं का यह तमाशा देख रहा था। कुछ पता नहीं था कि भावनाओं का यह ऊँट किस करवट जा बैठेगा। वैसे सबसे विचित्र हालत माँ व पिताजी की थी। माँ तो वाकई बड़ी दुखी नज़र आ रही थी। आखिर उसने भी अपना प्यारा भाई खोया था, साथ ही शायद उसके मन ने गहरी चिंता भी पकड़ ली थी, क्योंकि उसी के लाडले ने उसके भाई की हत्या की थी। यानी भाई तो खो चुकी थी, कहीं लाल से भी हाथ न धोना पड़ जाए। वहीं पिताजी बेचारे अब भी बड़ी चिंतित मुद्रा में वहीं बैठे हुए थे। वे बेचारे तो कुछ कहें भी तो कैसे, वह मातम मनाए भी तो कैसे। उन्हीं के पुत्र के हाथ राजा की हत्या हुई थी। वाकई मैंने पैदा होते वक्त भी दोनों को बड़े असमंजस में डाला था। वह आज भी कंस की हत्या कर दोनों को अजीब चक्कर में फंसा दिया था। वहाँ नंद जी व ग्वालों के हाल तो उनसे भी बुरे थे। सवाल यह कि गैर इरादतन ही सही, पर मेरे इस कृत्य के तार कहीं न कहीं उनसे भी जुड़े ही थे। कुछ भी बवंडर की स्थिति में उनके भी लपेटे में आ जाना तय ही था।
अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक सेनापति जी कुछ सिपाहियों के साथ प्रांगण में आ धमके। आश्चर्यजनक रूप से उनके साथ राजा उग्रसेन यानी मेरे नाना जी भी पधारे थे। यह दृश्य देखते ही मेरा वर्तमान चिंतन तो थम गया, लेकिन तत्क्षण चिंतन कुछ नया अप्रत्याशित न घट जाए उसमें उलझ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, मामियों और नानी ने क्या कम उपद्रव मचा रखा था जो अब सेनापति जी आप महाशय को भी ले आए हैं। अब चले आए पर मामला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो आश्चर्य पर आश्चर्य घटना जारी थी, क्योंकि नाना जी के पीछे पीछे ही अन्य प्रदेशों से आए सभी युवराज भी चले आए थे। वैसे यह आश्चर्य अपने साथ एक खुशी भी लाया था, क्योंकि उन युवराजों के साथ मेरी रुक्मिणी भी वापस आ पधारी थी। हालांकि इस समय रुक्मिणी पर ध्यान देने की बजाय मैंने अपना ध्यान घट रही इन नई घटनाओं पर केंद्रित करना ही उचित समझा, क्योंकि उस जान पर ध्यान देने के लिए भी इस जान को बचाए रखना जरूरी था। और फिर यूं भी इस समय भटकने की उम्मीद ही कहाँ थी। पहले ही घटनाएं इतनी तेज़ी से घट रही थी कि इस ग्वाले को ना तो कुछ समझ में आ रहा था, ना ही कुछ संपट ही बैठ रही थी। वहीं नाना जी की बात करूं तो ध्यान से देखने पर वे बड़े ही सरल व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। हालांकि दुखी वे भी बराबर पर ही नज़र आ रहे थे। आखिर उन्होंने भी अपना पुत्र खोया था। कुछ देर तो वे कंस की लाश के पास गुमसुम बैठे रहे, उसके बाद अपने मृत बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उठ खड़े हुए। उठते ही उन्होंने न सिर्फ रोदन कर रही मामियों को सांत्वना दी, बल्कि मूर्छित नानी की भी हालत जानी। उसके तुरंत बाद उन्होंने सेनापति से मुझे बुलाने को कहा। तारीफ यह कि नाना उग्रसेन ने यह तमाम कार्य पल भर में ही निपटा दिए थे। इधर स्वाभाविक तौर पर उनके बुलावे ने मुझे चिंता में डाल दिया। उनके बुलाने का प्रायोजन वाकई मेरी समझ के बाहर था। सच कहूँ तो मन किसी बड़ी मुसीबत की आहट से घबरा उठा था। खैर, प्रयोजन समझ आए न आए, मुझे जाना तो था ही। राजी खुशी नहीं जाऊंगा तो सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे, बस यही सोचकर चुपचाप चल पड़ा। भैया भी पीछे पीछे चल पड़े। सच ही है, ऐसे संकट की घड़ी में वे मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इस समय मेरी मनोदशा भी अजीब थी। मन में हजारों विचार आ और जा रहे थे। वैसे मैं किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए पूरी तरह से तैयार भी था, लेकिन राजा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार ही कर लिया गया तो क्या, फिर तो सारी सावधानी व बहादुरी धरी की धरी ही रह जाएगी। यूं भी नाना जी के आसपास फटक रहे 50 सैनिक देखकर मेरी घिघी वैसे ही बंधी जा रही थी। एक तरफ मन में जहां ऐसे हजारों तूफान उठ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मैं अपनी नज़र नाना जी की गतिविधि पर भी बनाए ही हुआ था, क्योंकि सारा दारोमदार उनके भीतर क्या चल रहा है उसी पर था। यहां प्रांगण में तो भीड़ वैसे ही छट गई थी। बमुश्किल इस समय हमारे समेत 400-500 लोग मौजूद थे, पर उधर राजकीय प्रेक्षागृह पुनः पूरी तरह भर गया था। वहाँ चहल पहल भी काफ़ी बढ़ गई थी। स्पष्टतः आगे के सारे नियंत्रण नाना जी के हाथ में दिखाई दे रहे थे। इधर हम भी आम प्रेक्षागृह छोड़ सपाट मैदान से गुजरते हुए धीमे कदमों से राजकीय प्रेक्षागृह की ओर बढ़े जा रहे थे। वहीं मैं तो सर पे खड़े संकट के बावजूद मन के किसी कोने में नाना जी से प्रभावित भी हुआ जा रहा था। मुझे उनकी सबसे ज़्यादा जिस बात ने प्रभावित किया था वह यह कि इतने वर्षों बाद कारागृह से बाहर निकलने के बावजूद उनका प्रभाव बरकरार था। मैं सोचा था कि इतने वर्ष कारा में गुजारने के बाद वे बीमार, थके व हारे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने मेरी सोच को परास्त कर दिया।
और कोई मेरी सोच को मात दे दे मुझे पसंद था। सच कहूँ तो जिसको समझा जा सके या वह क्या करने वाला है यह जाना जा सके तो फिर वह मनुष्य बचा ही कहाँ, वह तो वस्तु हो गया। फिर तो उसका वस्तु की तरह उपयोग किया जा सकता है। उस लिहाज से मैं आचार्य श्रुति केतु जी के बाद पहला इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व देख रहा था। चलो मरते वक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिल रहा था यही क्या कम था। अन्यथा तो आप जानते ही हैं कि मैंने आज तक सभी मनुष्यों का वस्तु की तरह ही उपयोग किया था, फिर चाहे वह माँ की ममता हो या पिताजी की चुप्पी, राधा की जिद हो या भैया का क्रोध, अंत में जाकर तो सभी मुझे ही फायदा पहुँचा जाते थे। लेकिन उसके विपरीत मेरा कभी कोई उपयोग न तो कर पाया था और न ही कर सकेगा, क्योंकि ना ही मेरी कोई जिद है और ना ही मेरा अपना कोई स्थिर स्वभाव ही है। ध्यान रहे, जिस मनुष्य का अपना कोई अस्थाई स्वभाव है या किसी बात की जिद है उसका आसानी से वस्तु की तरह उपयोग किया जा सकता है। चलो जब अपने स्वभाव बाबत इतनी बातें कही है तो कुछ अपने सीखने की कला के बाबत भी कह डालूं। पता नहीं कल मौका मिले न मिले। आप तो जानते ही हैं कि मेरे लिए तो यह जीवन ही एक पाठशाला थी। मैं जीवन में जो भी सीखता गया उससे स्वयं को रूपांतरित भी करता चला गया। सत भी यही है कि कोई बच्चा सीख कर पैदा नहीं होता, जीवन ही उसको सीखने योग्य सब कुछ सिखाता चला जाता है। इसलिए मेरी मान्यता है कि मनुष्य के जीवन का विकास इसी बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन में किस गति से कितना ज़्यादा सीख पाता है। मेरा ही उदाहरण लो, मैंने जीवन में सीखने का एक भी मौका कभी नहीं गंवाया। कोई चीज़ मुझे दोबारा सीखनी ही नहीं पड़ी और यही मेरी सीखने की ग्राह्यता व सीख कर स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता ने ही मिलकर मेरे वर्तमान व्यक्तित्व का निर्माण किया था। स्वयं के मन को जानने व दूसरों के मन को पहचानने की लगातार की गई कोशिश के कारण ही मेरी आंखें, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी और अब मेरी मुस्कुराहट भी मेरे प्रमुख हथियार बनते जा रहे थे। क्योंकि जो दूसरों के मन समझता है वह उसके मन को परिवर्तित भी कर सकता है, वैसे ही यदि मनुष्य का स्वयं का मन अपने पूर्ण नियंत्रण में है तो वह दूसरों के मनों को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर पाता है। और जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के मन को भी नियंत्रित कर सकता है, भला उसे जीवन में कोई कैसे हरा सकता है। अतः इस विद्या से ऊपर दूसरी कोई विद्या नहीं। भला दूसरे मनुष्यों को नियंत्रित कर पाने की शिक्षा से बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है। वहीं इससे एक और फायदा है कि अपना मन हमेशा अपने नियंत्रण में रहता है। अब आप अपने मन के मालिक तो हो, तो उससे बड़ी सिद्धि क्या है। मुझे ही देखो, मेरा मन हमेशा से मेरे पूर्ण नियंत्रण में रहा है। तभी तो रुक्मिणी के पीछे पूरी तरह पागल होते हुए भी इस समय मेरा ध्यान रुक्मिणी पर बिल्कुल नहीं था। जीवन चुनाव है, इस समय चुनाव रुक्मिणी व सेनापति की गतिविधियों के बीच था। रुक्मिणी के दिल व नाना जी के मन के बीच का था और रुक्मिणी पर ध्यान न देने से कोई बहुत ज़्यादा बनने बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन सेनापति की गतिविधियों को नज़रअंदाज करने पर जान की जोखिम हो सकती थी। नाना जी का मन न समझ पाने पर बचा हुआ जीवन कारा में गुजारना पड़ सकता था। 100 बातों की एक बात, जान है तो जहान है। यह सिर्फ वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं, हर जगह हर परिस्थिति में जीवन के यही हाल हैं। यानी जीवन एक दो नहीं, हर जगह चुनाव है। थोड़ा ध्यान से समझे तो कंस के वध के समय भी चुनाव ही तो था। मेरे समेत पिताजी व ग्वाले का वध या कंस का वध और मेरा चुनाव था। कंस का वध, यह भी कमाल हो गया। मौत मुंह फाड़े सामने खड़ी थी और मन चिंतनों में उलझ गया था, और वह भी ऐसे वैसे नहीं, श्रेष्ठ चिंतनों में। शायद मौत सामने खड़ी हो तो परम होश जाग ही जाता है। वैसे परम होश क्या जागा, मेरा आत्मविश्वास ही लौट आया। अब मैं धीरे धीरे ही सही,
परंतु बड़ी दृढ़ता पूर्वक नाना जी के पास बढ़ता चला जा रहा था। इधर मैं बढ़ते बढ़ते राजकीय प्रेक्षा गृह के काफ़ी निकट पहुंच गया था, तो उधर मेरे बढ़ते कदमों से ग्वाले बुरी तरह घबरा उठे थे। जहां तक माँ का सवाल है, वह तो कंस की मृत्यु के बाद ही चिंता व दुख के गहरे सागर में डूबी हुई थी। वहीं राजनीति के जानकार पिताजी भी इस समय अत्यंत व्याकुल नजर आ रहे थे। उधर प्रजा भी विचलित थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। और यह मत समझना कि बेचैनी का आलम राजकीय प्रेक्षा गृह में नहीं था। वहाँ तो नाना जी को छोड़ सभी व्यग्र नजर आ रहे थे। सेनापति समेत बाहर से आए युवराज भी बेचैन थे। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि इस समय कमान नाना जी ने संभाली हुई थी और वे इतने दृढ़ व शांत नजर आ रहे थे कि उनके हाव भाव से उनके भीतर छिपे तूफान का अंदाज़ा लगा पाना आसान नहीं था। कहने का तात्पर्य, एक मैं ही नहीं सभी असमंजस में पड़े हुए थे। यह सब तो ठीक, पर बेचैन तो रुक्मिणी भी नज़र आ रही थी। यानी अपवाद स्वरूप कोई निश्चिंत था तो वे नाना जी ही थे। अब उनकी निश्चिंतता शुभ है या अशुभ है, यह तो वहाँ पहुँचने पर ही पता चलना था। तो वह भी क्या दूर था, मंजिल आ ही गई। मैं नाना जी व सेनापति जी के सामने था। जाहिरी तौर पर सर्वप्रथम मैंने बड़े प्यार से और पूर्ण आत्मविश्वास दर्शाते हुए नाना जी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने भी आगे बढ़कर बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। उन्होंने प्यार से गले क्या लगाया, मेरी आधी जान तो यूं ही लौट आई। क्योंकि जिस प्यार से उन्होंने गले लगाया था, उससे यह तो स्पष्ट हो ही गया था कि अब राजमहल की तरफ से कोई खतरा नहीं। वैसे नाना नाती का प्यार देख प्रजा ने भी राहत की सांस ली थी। माँ व पिताजी के तो नाना जी के गले लगाते ही आंसू निकल पड़े थे। मैंने सोचा, जब अलग अलग रह रहे व एक या अन्य कारण से बिछड़ा हुआ परिवार निकट आ रहा है, तो मामियों में भी कुछ फर्क अवश्य आया होगा। शायद उनका भी भांजा प्रेम उमर पड़ा होगा। इसी आशा के साथ मैंने मामियों की ओर नज़र घुमाई, लेकिन भांजा प्रेम तो गया भाड़ में। उन्हें तो नाना जी का मुझे गले लगाना भी रास नहीं आया था। हालांकि यह भी मेरी ही अपनी एक विशेषता थी कि परिस्थिति कैसी ही क्यों न हो, मैं हमेशा अपने चारों ओर किसके मन में क्या चल रहा है यह तारने का प्रयास करता ही रहता था, ताकि यदि किसी के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मेरा या अन्य का अहित हो सकता है, तो समय रहते उससे निपटा जा सके। और यहाँ यह तो साफ हो ही गया था कि मामियों की नाराज़गी यथावत थी। होने दो, यह कोई तत्काल चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि वे कहाँ राजमहल के कार्यों में दखलअंदाजी कर सकने वाली थी। इस समय महत्वपूर्ण नाना जी की सोच थी और उन्होंने गले लगाकर मेरे प्रति अपनी सकारात्मक सोच का सबूत दे ही दिया था। हालांकि निश्चित ही नाना जी का मुझे इस तरह गले लगाना मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। और कहते हैं ना कि एक आश्चर्य दूसरे आश्चर्य का व एक खुशी दूसरे खुशी का पीछा करती चली ही आती है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे मुझे प्रेम से गले लगाकर एक आश्चर्य में नाना जी ने मुझे पहले ही डाल चुके थे, वैसे ही मुँह खोलते ही उन्होंने मुझे दूसरे आश्चर्य में डाल दिया। अनायास ही नाना उग्रसेन ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राज्य हमेशा वीरों द्वारा भोगा जाता है और तुमने पहले कुवलयापीड फिर चानूर व तत्पश्चात कंस का वध कर अपनी वीरता का परिचय दे दिया है। तुम मथुरावासियों को बेहद प्रेम करते हो, यह तुम्हारे व्यवहार से ही जाहिर है, और मथुरावासी भी तुम्हें चाहने लगे हैं। यह भी प्रांगण के माहौल से दृष्टिगोचर हो ही रहा है। इतना कहकर उन्होंने तो खामोशी की चादर ओढ़ ली।
लेकिन मैं अचंभित रह गया था। मेरे पक्ष में इतनी तर्कपूर्ण बातें करना मुझे अच्छा तो लगा, परंतु मैं इसके पीछे का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा था। हाँ, जान को कोई खतरा नहीं, कम से कम इसका यकीन अवश्य हो चला था। और स्वाभाविक तौर पर वर्तमान में कुछ अन्य समझने की बजाय यह समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इधर मेरे हाव भाव भले ही कुछ समझने की कोशिश वाले रहे हो, पर उधर नाना जी के मुख से यह सब सुनते ही युवराजों के चेहरे अवश्य उतर गए थे। यह बात मेरे लिए एक नई ही पहेली बनकर उभरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नाना जी की बातों से उनका क्या बन बिगड़ रहा था होगा। अभी तो इधर मुझे इस तरह ना समझे कि अभी तो इधर मुझे इस तरह ना समझो की तरह खड़ा देख नाना जी ने अपना बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कंस की मृत्यु के बाद मथुरा इस समय राजा विहीन हो गई है और कोई भी राज्य एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता। यह नियम भी है कि जो राजा का वध करता है वही राजा बनने का अधिकारी भी होता है। फिर तुम तो हमारे नाती भी हो, व साथ ही तुम्हारे पिताजी का राजभवन से निकट का रिश्ता भी है, इसलिए मैं पूरी मथुरा की ओर से तथा राजभवन की तरफ से तुम्हें अपनी योग्यता के कारण मथुरा का राजपाट संभालने की गुजारिश करता हूँ। मेरी यह गुजारिश संपूर्ण राजभवन की ओर से समझी जानी चाहिए। अतः मेरा तुमसे यह विनम्र निवेदन है कि तुम मथुरा का राजा बनना स्वीकारो। मैं तो अवाक रह गया, सोचा था क्या हो गया क्या। अब भला एक ग्वाला जो मौत की सोच में डूबा हो, उसे अचानक राजा बनने का प्रस्ताव दिया जाए तो क्या उसकी कोई इंद्रियां काम कर सकती है? मेरे तो सोचने समझने की ही नहीं, सुनने देखने की भी क्षमता जाती रही। कहाँ तो धरती में समाने की तैयारी किए बैठा था और कहाँ नाना जी ने आकर आसमान की बात छेड़ दी थी। मैं तो भूतों का भी महाभूत हो गया था। दूसरी तरफ नाना जी ने मुझे राजा बनाने का प्रस्ताव क्या दिया, प्रांगण के कई कोने से मेरे समर्थन में स्वर गूंज उठे। स्वाभाविक तौर पर इन उठ रहे स्वरों ने मुझे तक्षण होश में ला दिया। होश में तो आया, पर यकीन अभी नहीं कर पा रहा था कि मैं बालक और राजा। आखिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं स्वयं को चिकोटी काटी, कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? लेकिन नहीं, सामने पड़ी कंस की लाश और प्रजा का जोश सब कुछ हकीकत होने की गवाही दे रहे थे। जब यह वास्तविकता ही है तो संभालना भी आवश्यक है। मैंने तक्षण अपनी पूरी चेतना होश बढ़ाने में लगाई, क्योंकि अब एक बालक परिपक्व होने का समय आ गया था क्योंकि अब एक बालक के परिपक्व होने का समय आ गया था क्योंकि एक परिपक्व सोच ही इस परिस्थिति से निबट सकती थी। यह तो मेरी बात हुई, पर दूसरी ओर भैया और ग्वाले तो यह सुनते ही झूम उठे थे। पिताजी भी कुछ रंग में आए जान पड़ रहे थे, परंतु माँ पर इसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं लग रहा था। अब माँ पर प्रभाव पड़ा हो या नहीं, पर यहाँ उसका लाल बुरी तरह फंस गया था। नाना जी ने तो बड़ी आसानी से एक ग्वाले को राजा बनने का प्रस्ताव दे डाला था, लेकिन दूसरी तरफ इस ग्वाले के लिए राजा बनना तो दूर, परिस्थिति समझना ही मुश्किल हो रहा था। कहाँ तो यहाँ से बच निकलने पर वृंदावन लौटकर एक ग्वाले का जीवन फिर प्रारंभ करना था, और कहाँ राज सिंहासन नसीब हो रहा था। शायद एक पल में इतनी बड़ी और विपरीत उड़ान भरने का मौका कभी किसी को नहीं मिला होगा।
अरे राजा बनने की बात करते हो, मैंने तो किसी राजा को ही आज जीवन में पहली बार देखा था। ऐसे में मैं बेचारा यह नियम क्या जानूं कि राजा को मारने वाला राजा बनने का अधिकारी होता है। अब चाहे जो हो, नाना जी की बात पर मनन को तो करना ही था। ना सिर्फ परिस्थिति का ठीक ठीक विश्लेषण आवश्यक था, बल्कि उनकी बात का समुचित उत्तर भी देना था। और कुछ नहीं तो जब नाना जी ने इतना विश्वास जताया था, तो अपनी ओर से कम कुछ परिपक्वता की छाप तो छोड़नी ही थी। यानी यदि औकात से बड़ा प्रस्ताव आया था, तो स्वयं से बढ़कर सोचना भी जरूरी था। बस मेरे मन में विचारों की एक ऐसी आंधी चल पड़ी थी, जो प्रस्ताव के पहलू की हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी बात में उलझ गई। उधर इन तमाम अव्यथाओं से दूर भैया व ग्वाले अभी मारे खुशी के झूम रहे थे। दूसरी ओर पूरा प्रांगण भी धीरे धीरे गर्मा रहा था। वैसे खुश तो मैं भी था, क्योंकि एक तो जान बची थी व दूसरा पल भर में रुक्मिणी के लायक हो गया था। लो, रुक्मिणी की याद क्या आई, निगाह खुद ब खुद उसकी ओर घूम गई। वह भी अचरज भरी निगाहों से मुझे ही निहार रही थी। मेरे देखते ही उसने न सिर्फ हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन किया, बल्कि हाथों हाथ प्रस्ताव स्वीकारने हेतु मुझे उत्साहित भी किया। अब उत्साह बढ़ाने में उसका क्या जा रहा था, राजा तो मुझे बनना था। और मेरे मन में उसके प्रेम की दीवानगी अपनी जगह थी, तथा मथुरा की प्रजा के भविष्य का महत्व अपनी जगह। कुल मिलाकर इतने बड़े विषय पर मैं जल्द ही हाँ या ना कहने के पक्ष में कतई नहीं था। कुछ भी उत्तर देने से पूर्व दोनों संभावनाओं को बराबर तराजू में नाप तौल लेना चाहता था, लेकिन तुरंत फुरत में इतना गहरा चिंतन करना भी कोई मजाक नहीं था। सच कहूँ तो इस समय मैं दो विपरीत पाटों में विभाजित हो चुका था। जहाँ एक ओर रुक्मिणी के उत्साह बढ़ाने के चक्कर में उलझ गया था, तो वहीं दूसरी ओर स्वयं की योग्यता अनुसार ही कदम उठाने को कटिबद्ध भी था। और इन्हीं दो पाटन के चलते मैंने अपनी पूरी चेतना तेजी से घट रहे घटनाक्रम को समझने में लगा दी, ताकि परिस्थिति का ठीक ठीक आकलन कर हाँ या ना का उचित उत्तर दे सकूं। परंतु जैसा कि मैंने कहा, इस बाबत समुचित चिंतन करना भी इतना आसान नहीं था। एक तो नाना जी ने पल भर में मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। अब मैं जो बचपन से पथरीली जमीन पर चलता आया हूँ, आसमान की बात समझने में वक्त तो लगना ही था। दूसरा, जीवन में पहली बार अप्रत्याशितों की इतनी मार एक साथ मुझ पर पड़ रही थी। एक से संभलू तो दूसरा व दूसरे से संभलू तो तीसरा। और इन सारे अप्रत्याशितों की जड़ में नाना जी ही थे। चलो मैं इससे उभर भी जाता व कुछ निष्कर्ष पर पहुंच भी जाता, पर मेरी अड़चन यह भी थी कि मैं चाहकर भी उनके प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उनको आए अभी बमुश्किल कुछ ही समय हुआ था, लेकिन इतने ही कम समय में उन्होंने मुझे कितना कुछ कर दिखाया था। सबसे पहली बात तो वे सभी युवराजों को अपने साथ ले आए थे। युवराजों को वापस प्रांगण में लाने का सीधा अर्थ था कि भले ही यहाँ के राजा की हत्या हो चुकी है, पर अब स्थिति नियंत्रण में है। और निश्चित ही युवराजों पर यह प्रभाव छोड़ना मथुरा के राजकीय अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक था। उनको प्रांगण में वापस उपस्थित करके नाना जी ने न सिर्फ उनकी आँखों में मथुरा की लाज बचाई थी, बल्कि मथुरा को संभावित अराजकता से भी बचा लिया था। शायद नाना जी युवराजों व मथुरावासियों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहते थे कि मथुरा कंस की मृत्यु के बाद भी प्रशासन विहीन नहीं हुई है। नहीं तो हो सकता था मामियों के रोदन से कुछ लोग सहानुभूति
में बहकर कंस के पक्ष में खड़े हो जाते। दूसरी तरफ कंस विरोधियों की तो वैसे ही मथुरा में कोई कमी नहीं थी। ऐसे में निश्चित ही मथुरा दो अस्पष्ट गुटों में बट जाती और उनके आपसी संघर्ष से मथुरा में अराजकता फैलने का भय पैदा हो जाता। साथ में नाना जी के दिमागी संतुलन की भी प्रशंसा करनी होगी और उनके संबोधन का तो कहना ही क्या। एक एक शब्द का चयन कितना अद्भुत था। वे इतने वर्षों की कैद से पहली बार पूर्ण रूपेण आज़ाद हुए थे और आते ही क्या देखा था अपने वीर पुत्र की लाश। इसके बावजूद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। यह क्या कम प्रशंसनीय था। हालांकि उनका यह मानसिक संतुलन बनाए रखना मैंने हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लिया था। सचमुच नाना जी से आज मैंने हर परिस्थिति में अपना दिमागी संतुलन कैसे बनाए रखा जाए यह सीख लिया था। सच कहूँ तो आज नाना जी से ग्रहण की गई मानसिक संतुलन बनाए रखने की यह शिक्षा मेरे जीवन की श्रेष्ठतम शिक्षाओं में से एक कही जा सकती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन खो देने के कारण ही मनुष्य पतन के गर्त में समा जाता है। जबकि हकीकत यह है कि विपरीत परिस्थितियों में ही मानसिक संतुलन बनाए रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे नाना जी का इससे भी बड़ा कमाल तो यह था कि अपने बेटे की लाश देखकर भी वे ना तो रोए थे, ना मातम ही मनाया था, ना तो क्रोधित हुए थे और ना ही शोकाकुल ही। पल भर में ऐसे श्रद्धांजलि दे डाली थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह उनकी इसी अदा का कमाल था जिसने क्षण भर में पूरे वातावरण को सामान्य कर दिया था। तभी तो कहता हूँ कि यह पूरा संसार एक विद्यापीठ है और हर घटना हर व्यक्ति एक शिक्षक। आज मैंने महाराज उग्रसेन से ही नहीं कंस और मामियों से भी बहुत कुछ सीखा था। यानी यह यथार्थ सिद्ध हो रहा था कि संसार में हमारा कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। कभी कोई हमारा शिक्षक बनकर उभरता है तो कभी कोई विद्यार्थी बनकर सामने आ खड़ा होता है। और गौर से देखा जाए तो हम 24 घंटे करते क्या रहते हैं, या तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं या दूसरों के सीखने हेतु मौकों का निर्माण करते रहते हैं। खैर, आप कहेंगे कि बाकी सब बातें तो आपने अच्छे से समझा दी, वह हमने अच्छे से समझ भी ली, पर आपके राजा बनने के प्रस्ताव का क्या हुआ। तो ऐसा है कि गहरे में तो मनन उस पर ही जारी है पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना इतना आसान कहाँ। जरा यहाँ का नज़ारा तो देखो, सामने ही नाना जी खड़े हैं जो गौर से मेरे भीतर चल रहे विचारों के उतार चढ़ाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। सामने कंस की लाश पड़ी है जिसके चलते यह राजा बनने का सवाल उठा है। दाईं ओर रुक्मिणी व मामियाँ खड़ी हैं तो बाईं ओर कई युवराज खड़े हुए हैं। वहीं इतनी भीड़ में माता पिता समेत अक्रूर जी भी एक कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूर आम प्रजा के प्रेक्षागृह से भी तरह तरह की पुकारें सुनाई दे रही है। यदि घुमाकर नज़र उन प्रेक्षागृहों पर डालूं तो उछलते कूदते ग्वाल मित्र भी साफ नज़र आ रहे हैं और मेरे ठीक सर पर भैया खड़े हैं जो नज़र जहाँ भी घुमाऊँ नज़र आ जाते हैं। अब ऐसे में यह ग्वाला गहरा चिंतन करे भी तो कैसे। हालांकि यह ग्वाला इतना शाना अवश्य था कि जब राजा उग्रसेन बोल रहे थे तब भी उसने कोई हाव भाव नहीं दिखाया था और अब भी वह पूरी तरह शांत ही खड़ा था। यानी इतना बड़ा अप्रत्याशित प्रस्ताव पाकर भी मैं भावविहीन ही था।
निश्चित ही यह कमाल अभी ताजा ताजा महाराज उग्रसेन से सीखी संतुलन बनाए रखने की शिक्षा का था, वरना प्रायः तो हमारे हाव भावों से ही अपने भीतर क्या चल रहा है इसका पता दूसरों को चल जाता था और स्वाभाविक तौर पर जो हमारे लिए कतई ठीक नहीं था। वैसे एक बात और बता दूं कि भले ही मैं अपने हाव भावों पर नियंत्रण रखे हुए था, लेकिन मेरी पैनी निगाह दूसरों के हाव भाव समझने में लगी ही हुई थी। और उसका तारण कहूँ तो महाराज उग्रसेन के प्रस्ताव से प्रांगण में उपस्थित अधिकांश प्रजा खुशी से झूम उठी थी। वहीं दूसरी ओर ग्वाले भी इस बात से पगला गए थे कि उनका मित्र राजा बनने जा रहा है। दूसरी ओर रुक्मिणी भी कम खुश न थी और भैया का तो कहना ही क्या, वे तो पूरी तरह अकड़े हुए थे। माँ और पिताजी इतना सब कुछ घट जाने के बावजूद अब भी बमुश्किल से समान हो पाए थे। हालांकि इस दरमियान एक दो बार नाना जी इशारे से मुझे निर्णय बाबत पूछ भी चुके थे और मैं उन्हें इशारे से प्रस्ताव पर मनन चालू है यह समझा भी चुका था। यहाँ यह भी बता दूं कि नाना जी के प्रस्ताव की सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही थी, ऐसा भी नहीं था। नाना जी के प्रस्ताव से मामियाँ अत्यंत विचलित हो उठी थी। भला उनके प्यारे पति का हत्यारा मथुरा का राजा बन बैठे, यह वे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मामियाँ ही क्यों, अधिकांश युवराज भी नाना जी के इस प्रस्ताव से राजी नहीं थे। रुक्मी तो खुलेआम प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हो गया था। वैसे मैं इन युवराजों की मजबूरी भी समझ रहा था। वे युवराज थे ही इसलिए कि ये राजा के पुत्र थे और यदि गैर राजा पुत्रों वह भी खासकर ग्वालों के राजा बनने की परंपरा चालू हो गई तो इन बेचारों का क्या होगा। लेकिन नाना जी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने यहाँ सारी परंपराओं को ताक पर रखकर एक ग्वाले को राज सिंहासन सौंपने का साहस दिखाया था। सचमुच यदि यह परंपरा विकसित हो गई तब तो इन युवराजों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वैसे मेरी समझ से नाना जी द्वारा दर्शाए इस साहस के पीछे मेरे नाती होने ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। वहीं यदि अपनी समझ को और आगे बढ़ाऊं तो यह भी स्पष्ट था कि रुक्मी के पास प्रस्ताव से नाराज होने की एक वजह और मौजूद थी। जी हाँ, हमने उसे पीटा जो था। साथ ही रुक्मिणी का मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना भी शायद उसके विरोध का एक प्रमुख कारण हो सकता था। वैसे प्रस्ताव से नाराज हो उठने वाले की फेरहिस्त यहीं नहीं रुक रही थी, उसमें वे सभी यादव संभ्रांत भी शामिल थे जो इस समारोह के मुख्य मेहमान थे, जैसे सत्राजीत, कृतवर्मा, सातयिक इत्यादि। कुल मिलाकर बाहर से आए युवराज और मथुरा के अस्थाई संभ्रांत जिनका राजमहल पर अच्छा खासा वर्चस्व था, वे मुझे राजा बनाने के पक्ष में कतई नहीं थे और इनके विपरीत अधिकांश जनता जनार्दन मेरे साथ थी। यानी कुल मिलाकर हमेशा की तरह आज भी मेरे सामने एक कठिन चुनाव था और आज का यह चुनाव न सिर्फ राजा बनने या ग्वाला बने रहने के बीच था, बल्कि आज का यह चुनाव राजा या रंक का जीवन गुजारने के बीच भी था। यूं तो राजा बनना कौन नहीं चाहता और इधर तो राजा बनने से मुझे अपनी स्वप्न सुंदरी रुक्मिणी प्राप्त होने के आसार भी बढ़ जाते थे। साफ तौर पर राजा बनते ही मैं पल भर में हर दृष्टि से उसकी बराबरी का हो जाता। दूसरी तरफ आप यह भी जानते हैं कि युवराजों के रुआब ने मुझे कितना प्रभावित कर रखा था। सोचो, राजा बनते ही क्या ठाठ होगी मेरी, सारा कार्य सेवक सेविकाएं करेंगे और चारों ओर बड़ा नाम व सम्मान होगा। यानी
राजा बनने के निजी फायदे तो साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन साथ ही मैं यह भी समझ रहा था कि परिस्थिति व संयोग बस अचानक राजा बनने का मौका मिलना एक बात है और राजा बनने की योग्यता होना व राजपाट चला पाना सर्वथा दूसरी बात है। अतः मैंने चिंतन को सर्वार्थ से हटाकर योग्यता पर केंद्रित किया व स्वयं में राजा बनने की योग्यता खोजने लगा और यहाँ दूर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। महाराज उग्रसेन के रूप में एक राजा मेरे सामने खड़े थे और उनके शानदार व्यक्तित्व और संतुलित मिजाज से तुलना करने पर यह पूरी तरह साफ था कि मुझ में अभी राजा बनने की कोई लायकात नहीं है। एक राजा को रोज़ नई नई परिस्थितियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, नित हजार समस्याएं मुँह फाड़े खड़ी हो जाती है। अरे यहाँ परिवार का ख्याल रखना आसान नहीं तो पूरे राज्य का ख्याल रखना कोई मजाक थोड़े ही है। आज का ही वाकया लो, यदि राजा उग्रसेन की जगह मैं होता तो पता नहीं क्या करता, लेकिन यह तो तय है कि वह कुछ नहीं कर पाता जो उन्होंने कर दिखाया था। युवराजों को वापस प्रांगण में बुलाना तो मेरी समझ में ही नहीं आता। परिस्थिति का जितना सही आकलन उन्होंने किया था और जिस तरह पल भर में ही उस पर नियंत्रण पाया था, उससे ही साफ जाहिर हो जाता है कि राजा बनने के लिए एक अलग ही तरह की प्रज्ञा व अनुभव की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य, अब राजा बनने के निजी फायदे भी समझ चुका था व अपनी राजा बनने की योग्यता भी पहचान ही ली थी। चलो एक बार इस तरह से भी सोच लिया जाए कि मुझे जैसे चिंतनशील व बहादुर को राजा बनने की योग्यता सीखने में वक्त ही कितना लगेगा। भला सिर्फ योग्यता कम होने के आकलन के कारण राजा बनने का हाथ लगा मौका भी कभी छोड़ा जाता है। साथ ही मैं यह क्यों भूल जाऊं कि सवाल मेरे दिल का भी है, मेरे राजा बनते ही रुक्मिणी नामक सपने को हकीकत में बदलने के आसार कितने बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, इसका अर्थ यह मत निकाल लो कि मैं राजा बनने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मामला यहीं से तो शुरू ही होता है। अभी आगे और भी पेचीदगियाँ हैं। माना मथुरा की जनता मेरे साथ है, परंतु इन युवराजों का क्या जो लगातार विरोध के स्वर उठा रहे हैं। चलो ये तो बाहर से आए हैं, कितने दिन विरोध करेंगे, जल्द ही सब कुछ भूलकर अपने राज्य को लौट जाएंगे। लेकिन प्रमुख सवाल इन यादव प्रमुखों का है, जिन्हें मैं एक आंख नहीं सुहा रहा, और उनके सहयोग के बगैर मथुरा की राजगद्दी टिकाए रखना असंभव है, क्योंकि ले देकर यहाँ की आम प्रजा उनके तगड़े प्रभाव में है। उन्होंने भड़काया नहीं कि प्रजा ने रंग बदली नहीं। यानी एक बार को राजा बनना तो आसान था, क्योंकि नाना जी प्रस्ताव दे ही चुके थे, लेकिन आगे उसे टिकाए रखना मुश्किल नज़र आ रहा था। मालूम पड़े चंद रोज के लिए ही तो राजा बन गए व फिर मथुरा से ही भगा दिए गए और राजा कृष्ण फिर गाय व बैल चराने के काम पर लग गए। चलो यह एक मजाक छोड़ूं तो भी राजा बनने का मतलब होगा इन यादव प्रमुखों से नित्य टकराहट, और इन टकराहटों का अंतिम परिणाम मथुरा में अशांति व अराजकता होगा। अर्थात यदि अपना नज़दीकी फायदा देखकर राजा बनना चुन भी लूं तो भी इसमें मथुरा का तो नुकसान ही नुकसान था, और अपने स्वभाव से मैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूरी मथुरा को आग में नहीं झोंक सकता था। अब जहाँ तक सवाल रुक्मिणी का है तो वह तो मेरा सपना है, और सपनों का क्या, उन्हें देखने में भी उतना ही आनंद आता है जितना उन्हें पूरा करने में। दरअसल सपना तो प्रगति की राह पर लगने का एक अवसर मात्र है, कोई उसकी पूर्ति होना आवश्यक थोड़े ही है। सपना तो संजोए रखने की वस्तु है। हाँ,
यह बात अलग है कि समय व परिस्थिति की पूरी तरह अनुकूल हो जाए तो उन सपनों को पूरा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अपने सपनों की पूर्ति के लिए मनुष्यता की हद से थोड़े ही गिरा जा सकता है। सपने कोई हर हाल में पूरे करने की वस्तु थोड़े ही है। सपने देखने की कला ही यह है कि वह आपकी योग्यताओं को बढ़ाए और आपकी दृष्टि विराट करे। यदि सपनों को भी गिरकर पूरे किए जाएं तो सपनों और कामनाओं में फर्क ही क्या रह जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ सपनों में मनुष्य उठता है वहीं कामना में मनुष्य गिरता है। सौ बातों की एक बात। इन सारी बातों का सार यह कि राजगद्दी स्वीकारना मेरे जाति हित में होने के बावजूद मुझमें न तो राजा बनने की कोई योग्यता है और न ही मथुरा का स्थानीय वातावरण उसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर राजा बनना स्वीकारा नहीं जा सकता। भले ही मैंने निर्णय पर पहुंचने में देर लगाई थी, पर संतोष था कि पहुंचा मैं श्रेष्ठ निर्णय पर ही था। उधर मुझे इस कदर गहरे चिंतन में उलझा देख नाना जी ने मेरी चुप्पी तोड़ने का प्रयास करते हुए अब की शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं तुमसे निजी तौर पर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भले ही तुम सोचने में चाहे जितना वक्त लो, पर कंस की सम्मान अंत्येष्टि की इजाज़त दे दो। मैं तो यह सुनते ही चौंक गया। मेरा चिंतन पूरी तरह ठहर गया। भला मुझसे इजाज़त क्यों? मैं यहाँ का राजा थोड़े ही हूँ। तो क्या कहीं नाना जी मेरी चुप्पी का अर्थ यह तो नहीं निकाल रहे हैं कि मैंने मथुरा का राजा बनना स्वीकार लिया है? अरे कन्हैया, जल्दी सारी बातें साफ करो, अपने मन की बात कहो। कहीं ऐसा न हो तुम्हारा राज तिलक हो जाए और तुम इसी तरह भूत बने खड़े रह जाओ। बस तुरंत मैंने हड़बड़ाते हुए नाना जी से कहा, मैंने मामा का वध ना तो अपनी वीरता बताने हेतु किया था, ना ही राजा बनने के किसी प्रयोजन से। मेरी दृष्टि में उनकी मौत उनके कर्मों से हुई देखी जानी चाहिए और मुझे उस भयानक कर्म का निमित्त मात्र समझा जाना चाहिए। वहीं जहाँ तक राजा बनने का सवाल है तो मैं यह स्पष्ट कह दूँ कि अभी राजा बनने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही राजा बनने की मुझ में कोई योग्यता है, क्योंकि मेरा लालन पालन एक साधारण ग्वाले के रूप में ही हुआ है। अतः मेरी दृष्टि में आप ही मथुरा के राजा बनने योग्य हैं। पहले भी आपके ही राज में मथुरा ने खुशी का अनुभव किया है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार फिर मथुरा को खुशी देने के निमित्त बने। और जहाँ तक मामा की अंत्येष्टि का सवाल है तो वह एक राजा थे और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होना ही चाहिए। इस हेतु मुझे नहीं लगता कि राजमहल को मेरी इजाज़त की कहीं भी आवश्यकता है। इतना कहकर मैं तो चुप हो गया और उधर नाना जी ने भी प्रस्ताव स्वीकारने में आनाकानी ही दिखाई। यानी मथुरा के राजा बनने का जो मामला उलझा पड़ा था वह उलझा ही रह गया। हाँ, इस दरमियान महाराज कंस की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ होना अवश्य तय हो गया। वहीं दूसरी ओर सच कहूँ तो नाना जी द्वारा प्रस्ताव ठुकराते वक्त भी कहीं न कहीं उनके मन में राजा बनने की जागी तमन्ना अस्पष्ट देखी जा सकती थी। यानी उनके इनकार में भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं थी। और मुझ शाने ने यह बात अच्छे से तार ली थी। वैसे नाना जी यानी राजा उग्रसेन के मन में एक बार फिर राजा बनने की ख्वाहिश जागना समझा भी जा सके ऐसा था। एक सफल राजा जो इतने वर्षों से कैद में सड़ता रहा हो, उसे उम्र के इस पड़ाव पर स्वयं को सिद्ध करने हेतु राजा बनने की इच्छा जागना स्वाभाविक बात थी। वहीं दूसरी ओर एक और स्वाभाविक घटना भी हाथों हाथ घटी थी। मेरे द्वारा नाना जी को राजा बनाए जाने के प्रस्ताव मात्र से यादव प्रमुखों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी। यह बात समझना
तो और भी आसान था। निश्चित ही वे मुझसे छुटकारा पाने का हाथ लगा यह हसीन मौका कतई छोड़ना नहीं चाहते थे। मज़ा तो यह कि उन्होंने महाराज उग्रसेन के पक्ष में नारेबाजी भी प्रारंभ कर दी थी। यही नहीं, वे अपनी ओर से महाराज पर प्रस्ताव स्वीकारने का समुचित दबाव भी डालना शुरू कर दिए थे। उधर नाना जी, जिनका इनकार पहले ही कमज़ोर था, जल्द ही यादव संभ्रांतों के दबाव के सामने झुक गए। उन्होंने मथुरा की राजगद्दी संभालना स्वीकार किया। इधर नाना जी के राजी होते ही मैंने चारों ओर उनकी जय जयकार करवा दी। इस तरह एक बार फिर मथुरा की बागडोर महाराज उग्रसेन के हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई। चलो, यह सब मामला तो सुलझ गया, लेकिन उधर नाना जी ने प्रस्ताव स्वीकारने हेतु एक विचित्र शर्त रखकर मेरे सामने सबको आश्चर्य में डाल दिया। नाना जी की शर्त यह थी कि यदि मैं मथुरा में रहकर ही राजपाट के काम में उनका हाथ बटाने का वादा करूं, तो ही वे यह राज सिंहासन स्वीकारने को तैयार हैं। अब यादव प्रमुखों को नाना जी की यह शर्त रास आने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय वे उस स्थिति में भी नहीं थे कि नाना जी का विरोध कर सकें। इधर मुझे तो इस बात से कोई एतराज़ होने की सवाल ही नहीं उठता था। राज के काम काज सीखना तो मैं भी चाहता ही था, और ऊपर से मैं उनका नाती भी था। वहीं मथुरा नगरी भी मुझे भा ही गई थी, और फिर इस उम्र में अपने नाना का साथ मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा। कुल मिलाकर शर्त में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं अस्वीकार कर सकूं। एक तो शर्त स्वीकारना मेरा कर्तव्य भी था, व दूसरा सच कहूं तो बात भी मेरे पसंद की ही थी। मैं तो इसे रुक्मिणी के लायक बनने के एक अवसर के रूप में ही देख रहा था। खैर, मेरे राजी होते ही यह मामला अब पूरी तरह सुलझ गया। महाराज उग्रसेन का एक बार फिर राजगद्दी पर बैठना तय हो गया, और इस दृष्टि से आज का दिन हम नाना नाती यानी मेरे और नाना जी दोनों के लिए बहुत ही अद्भुत रहा। करीब करीब दोनों के लिए एक सा अवसर था। एक ओर जहां मुझे पल भर में ग्वाले से राजा बनने का अवसर मिला था, तो वहीं दूसरी ओर नाना जी जो कहां पूरा जीवन कैद खाने में बीत जाएगा ऐसा सोच रहे होंगे, और कहां क्षण भर में राजा बन गए थे। सचमुच समय कितनी तेजी से करवट लेता है, पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। इसलिए तो कहते हैं कि इस दुनिया में समय से बलवान और कुछ नहीं। हालांकि यह तो मेरी और नाना जी की बात हुई। उधर स्वाभाविक रूप से मेरे राजा बनने के प्रस्ताव ठुकराने से ग्वाले व भैया उदास हो गए थे, और जहां तक मथुरावासियों का सवाल है, उन्हें मेरे या नाना जी से कोई विशेष फर्क पड़ रहा हो ऐसा नहीं जान पड़ रहा था। उन्हें तो बस कंस से छुटकारा चाहिए था, और जो मैं उन्हें दिलवा चुका था। बाकी अभी मथुरा में मेरा कोई इतना प्रभाव थोड़े ही था कि मेरे राजा न बनने से वे उदास हो उठते। अब रहा सवाल युवराजों व यादव संभ्रांतों का, तो वे तो खुश ही थे। चलो, यह सब बातें बहुत हो गई। अब यदि मैं इस पूरे घटनाक्रम पर नए सिरे से विचार करूं, तो सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ कार्य सेनापति जी ने किया था। यह मथुरा का सौभाग्य ही था कि उनकी नियुक्ति में जरासंध का कोई हाथ नहीं था, और यही कारण था कि वे मथुरा के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उन्होंने महाराज उग्रसेन को कैद से छुड़वाकर व तक्षण सभा स्थल पर लाकर सचमुच बुद्धिमानी का कार्य किया था। वहीं यदि प्रांगण के वर्तमान माहौल की बात करूं, तो कई लोग पहले ही भयवश अपने अपने घरों को जा चुके थे। पता नहीं कब क्या हो जाए। हालांकि फिर भी कुछ साहसी तथा जिज्ञासु लोग अभी प्रांगण में मौजूद था। वैसे चूंकि यहां एक एक कर सभी चीज़ों का समाधान निकल ही चुका था, अतः प्रांगण का वातावरण भी तेजी से सामान्य होता जा रहा था। यहाँ मथुरा को भी अपना नया महाराज मिल ही गया था, अतः अब अराजकता के आसार भी पूरी तरह खत्म हो चुके थे।
अब तो ले दे के सबके सामने एक ही सवाल मुंह फाड़े खड़ा था, और वह था कंस के सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार का। महाराज उग्रसेन ने इसकी जिम्मेदारी सेनापति जी को सौंपी थी, और चप्पल सेनापति ने लगे हाथों अंत्येष्टि की सारी तैयारियां भी कर ली थी। कमाल यह कि सभी युवराजों समेत हर कोई यहाँ अभी डटे हुए थे, यानी राजकीय शिष्टाचार निभाने में कोई पीछे नहीं था। और मेरी बात करूँ तो मैं तो अभी से ही नाना जी के पीछे पीछे लग गया था, और भैया मेरे पीछे लगे हुए थे। उधर जैसे ही सारी तैयारियां हो गई कि तत्काल मेरे राजकीय सम्मान के साथ कंस की शव यात्रा यहीं प्रांगण से निकाली गई। उधर पता नहीं कैसे यह खबर आग की तरह पूरी मथुरा में फैल गई, और फिर तो कंस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए करीब करीब पूरी मथुरा उमड़ पड़ी। सभी अत्यंत दुखी भी नज़र आ रहे थे, यानी मरने के बाद मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। यह सुना तो था, आज देख भी रहा था। नाना जी के साथ साथ मेरे समेत कई युवराज व यादव संभ्रांत भी राजकीय शमशान घाट की ओर चले आ रहे थे, और उनके पीछे 2,500 के करीब की भीड़ भी चली आ रही थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि महाराज कंस मरते ही लोकप्रिय हो गए थे। खैर, सम्मान अंत्येष्टि तो निपट गई व हम लोग वापस प्रांगण भी लौट आए, लेकिन यहाँ आते ही फिर मुसीबत से सामना हो गया। वहीं रोदन करती हुई मामियों का सामना करना पड़ा। वाकई मामियों का क्रोध अब भी मेरी चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ था। जब भी आमना सामना हो रहा था या आँख मिल रही थी, वे घुड़ाना नहीं भूलती थी। उनकी कातिल नज़रों से यह स्पष्ट था कि यदि मौका मिला तो वे मुझे कच्चा चबा जाएगी। सच कहूँ तो राजगद्दी ठुकराने का एक कारण यह भी था, भले छोटा ही सही, क्योंकि मामियों के क्रोध से यह स्पष्ट था कि वे मुझे मथुरा की गद्दी पर चैन से नहीं बैठने देती। साथ ही मेरे दुर्भाग्य से उनके पिता जरासंध वीर पराक्रमी व अत्यंत शक्तिशाली राजा थे, अतः यदि मैं राजा बनना स्वीकारा होता तो यह तय था कि मेरी मामियां जरूर अपने पिता जी को भड़काकर मथुरा में मेरे लिए नित नई मुसीबत खड़ी करवाती। छोड़ो मामियों की चर्चा फिर कभी, अभी तो मामियों के साथ रुक्मिणी के दर्शन हो गए थे, उसकी चर्चा करूं। उससे इस दरमियान तो 3 बार आंखें टकरा चुकी थी, पर उसके हाव भाव कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। यूं भी अब मैं कुछ सोचने समझने लायक बचा भी कहाँ था। खैर, इधर यह सब निपटते निपटाते संध्या हो गई थी। हम सभी बुरी तरह थक चुके थे, खासकर मेरी और भैया की हालत बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। सुबह से 3-3 महायुद्ध किए थे, और ऊपर से अन्न का एक दाना अब तक पेट में नहीं गया था। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके थे कि अब तो हम अपने पांव चलकर घर तक जाने में भी सक्षम नहीं थे। किसी तरह लड़खड़ाते हुए अक्रूर चाचा के रथ पर सवार होकर उनके घर पहुँचे थे। सच कहूँ तो आज तो स्नान तक करने की ताकत नहीं बची थी हम में, लेकिन हकीकत यह थी कि इस हालत में स्नान किए बगैर चले ऐसा भी नहीं था। दिन भर खून की होली जो खेली थी, वैसे स्नान करना शुभ ही रहा था, क्योंकि स्नान कर थकान काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इधर थकान कम होते ही भूख ने बुरी तरह पागल कर दिया था। वैसे भी इस कदर भूखे रहने का जीवन में यह प्रथम अवसर ही था। कहने की ज़रूरत नहीं कि भोजन परोसते ही मैं और भैया भोजन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। वैसे आज दिन में भी कंस और उसके दानवों पर हम लोग भूखे शेर की तरह ही तो टूट पड़े थे। इस लिहाज से तो इस समय सिर्फ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। खैर, इधर कारण चाहे जो हो, पर आज अक्रूर चाचा की आव भगत भी कुछ विशेष थी। भोजन में भी हमारे लिए 56 भोग ही बनवाए गए थे। निश्चित ही आज की यह
आव भगत और यह छप्पन भोग मथुरा में हमारे बढ़ते राजकीय प्रभाव के आभारी थे। इधर छप्पन भोग क्या खाया, नींद मेरे पूरे अस्तित्व पर छा गई। मैं तुरंत सोने चला गया। काफ़ी देर तक करवटे बदलता रहा, लेकिन आज इतनी थकान के बावजूद नींद थी कि दगा देने पर तुली हुई थी। मन बार बार दिन भर के घटनाक्रम में उलझ रहा था। सचमुच आज का दिन कितना लंबा व महत्वपूर्ण था। सुबह घर से निकला था महोत्सव में भाग लेने, हो गई भीरंत पागल हाथी से, फिर चानूर से युद्ध, फिर तो परिस्थितिवश कंस का ही वध करना पड़ा, और अचानक नानाजी द्वारा राजा बनने का प्रस्ताव, वह तो कमाल ही रहा। प्रस्ताव से याद आया, अब नानाजी ने राजा बनने का प्रस्ताव दिया और मैंने ठुकराया। इन दो क्षणों के बीच में कुछ समय के लिए तो मैं राजा बन ही गया था, यानी भले ही कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर आज इस ग्वाले ने राजपाट तो भोग ही लिया था। और कुछ नहीं तो कम से कम आज के बाद मैं अपने बारे में यह तो दावे से कह ही सकता हूँ कि अब मैं वृंदावन का साधारण ग्वाला नहीं रह गया हूँ, कुछ क्षण के लिए राजपाट भी भोग चुका हूँ। खैर, कुल मिलाकर आज का दिन मेरी जिंदगी में विजय का दिन था। पहले पागल हाथी से जीता, फिर चानूर से जीता, और फिर तो कंस की सोच को ही मात दे डाली। लेकिन सच कहूँ तो ये सारी विजय फीकी थी उस विजय के सामने जो मैंने रुक्मिणी का अभिवादन प्राप्त कर पाई थी। रुक्मिणी का मेरा उत्साह बढ़ाना, मेरी जीत से खुश होना, मेरे बात बात पर अभिवादन करना निश्चित ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय नहीं तो और क्या थी। वैसे भी वृंदावन के एक रसिक ग्वाले के लिए राजकुमारी का आकर्षण प्राप्त करने से बढ़कर विजय और क्या हो सकती थी। लेकिन सवाल यह कि इतनी बड़ी विजय मुझे अनायास मिली कैसे। इस पर मनन करूं तो मेरी इस विजय यात्रा में कईयों का सहयोग था, कई लोग मेरी इस विजय के निमित्त बने थे। अब अक्रूर चाचा को ही ले लो, यदि उन्होंने वृंदावन से मथुरा आते वक्त मुझे कंस से सावधान रहने की सलाह न दी होती तो शायद कंस मेरा वध करने में कब का कामयाब हो चुका होता। अक्रूर चाचा ही क्यों, उस वृद्ध का एहसान भी क्या कम था जिसने पैदल बाजार घूमते वक्त कंस पर एक शानदार व्यंग कसा था। आपको याद है ना, उसने कहा था, मामा ने भांजे को समारोह में भाग लेने हेतु बुलवाया है, लेकिन देखो उसे लेने रथ तक नहीं भेजा, बेचारा बाजार में पैदल ही चल रहा है। आपको अच्छे से याद होगा कि उस वृद्ध के इस एक व्यंग ने मुझे तत्क्षण एक मजा हुआ कूटनीतिक बना दिया था। यदि मैं समय रहते कूटनीति नहीं सीखता तो शायद कंस अपने नापाक इरादों में कब का कामयाब हो गया होता। यह बात तो एकदम सही है। इस विचार के साथ ही चिंतन सक्रिय हो गया। अब नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी। सोचा एक के बाद एक घटे इन घटनाक्रमों का चक्कर क्या है, यही समझने का प्रयत्न कर लिया जाए। हजार सवाल वैसे ही मन में उठ रहे थे। क्या कोई शक्ति है जो हमारा जीवन चला रही है? क्या अक्रूर चाचा और वह वृद्ध उस शक्ति से आए निमित्त हैं? यदि समय रहते मैं सावधान न हुआ होता या कूटनीति न सीख पाता तो क्या मेरा वजूद मिट गया होता? क्या मेरे सीखने व जीवित रहने में कोई तालमेल है? यदि ऐसा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह शक्ति ही हमारा जीवन चला रही है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि फिर तो वही शक्ति कोई व्यक्ति या किसी घटना को निमित्त बनाकर हमें कब क्या करना, कहाँ जाना, इसके संदेश भेजा करती है। यदि सचमुच ऐसा है तब तो हमारा एकमात्र कर्तव्य उन संदेशों को समझना व उस पर अमल करना रह जाता है।
हाँ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि तभी तो कुदरत के भेजे संदेश को सीखते व समझते वृंदावन के इस ग्वाले को मथुरा के राजा बनने तक की उड़ान भरने का मौका मिल गया था। और यदि ऐसी ही है तो जो संदेश न समझे उनका क्या, फिर शायद वे ग्वाले ही पैदा होते होंगे और ग्वाले ही मर जाते होंगे। लेकिन यह तो अच्छा था, मैं वीर था, पहलवान था, साहसी था, वरना हाथी या चानूर मुझे कब के मार न चुके होते। अरे, तुम्हें बचना था इसलिए तो वीर व साहसी निकल आए थे, लेकिन मैं वीर व साहसी हुआ कैसे? शायद सीखने की आदत व निस्वार्थ भाव का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। परंतु इस स्वभाव के तो काफ़ी मनुष्य होते हैं, कोई सभी साहसी व वीर थोड़े ही हो जाते हैं। तो क्या कालिया, केसी या पागल सांड वगैरह मेरी शक्ति व साहस बढ़ाने के निमित्त मात्र थे? ऐसा है तब तो वे मेरे शत्रु न होकर मित्र हुए, और इस लिहाज से तो कोई कभी हमारा शत्रु नहीं होता। अर्थात जीवन का यह खेल सिर्फ मनुष्य स्वयं और उसका जीवन चलाने वाली प्रकृति के बीच ही चल रहा है, बाकी सब आने जाने वाले तो उसके जीवन के निमित्त मात्र हैं। यदि यह सच है तो जो भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ, और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। देखा आपने, आज मेरा चिंतन कुछ ज़्यादा ही ऊँची उड़ाने भर रहा था। यह नन्हा सा गुस्ताख चिंतन आज प्रकृति के रहस्यों को समझने का दुसाहस कर बैठा था। शायद यह क्षण भर को ही सही राजा बनने का प्रताप था। चाहे जो हो, जमीनी हकीकत यह थी कि अभी मेरी प्रज्ञा या मेरा चिंतन इतना विशाल नहीं हुआ था कि वह प्रकृति के इन रहस्यों को पूरी तरह समझ सके या उसके रहस्यों का ठीक ठीक आकलन कर सके। तो क्या आज जीवन में पहली बार मेरे चिंतन ने इतनी गहरी डुबकी लगाई थी, कल बाकी की मंजिलें भी सर कर ली जाएगी? बस ऐसा सोच मन शांत हुआ ही था व नींद गहराने को ही थी कि फिर एक सवाल ने दस्तक दे नींद पूरी तरह उड़ा दी। लेकिन चिंतन साथ दे ही कहाँ रहा था यानी अब हालत यह हो चुकी थी कि नींद आ नहीं रही थी और चिंतन साथ नहीं दे रहा था। वहीं कुछ ना कुछ करना भी आवश्यक था, कोई ऐसे ही सुप्त होकर तो पड़ा नहीं रहा जा सकता था। सोचा क्यों ना वंशी बजा ली जाए, वंशी की धुन में डूबकर स्वयं को चिंतन मुक्त करना भी आसान हो जाएगा और मौज भी हो जाएगी। विचार शुभ था, अतः अमल में देरी करना व्यर्थ था। तुरंत वंशी लेकर बाहर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मैंने वंशी की धुन छेड़ दी। आप मानेंगे नहीं, आज वंशी की धुन ऐसी छिड़ी कि प्रभात कब हो गई पता ही नहीं चला। शायद वंशी भी विजय का जश्न मनाने को तरफ उठी थी। चलो उसकी तरफ भी दूर हुई, पर अब आगे क्या नहीं समझे। दिन भर की थकान, ऊपर से रात भर का जागरण, अब करे तो क्या करे। सोचा कुछ टहल आऊं, वैसे भी नींद न आ पाने की सुस्ती को भगाने का यही एक तरीका उत्तम जान पड़ रहा था। चलो टहल भी आया। वापस लौटा तो देखा भैया बाहर बरामदे में ही नहा धोकर मेरा इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ, याद आया, हमें तो सुबह सुबह ही नाना जी के पास जाना था। बस क्या था, तुरंत फुरत तैयार होकर हम दोनों राजमहल नाना जी से मिलने निकल पड़े। अजब हालत थी मेरी, चानूर व कंस जैसे शत्रुओं से तो निपट चुका था, लेकिन इस नींद नामक महाशत्रु का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से थकान नामक महाबीमारी तो ऐसे घिरे हुए थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, कंस की मृत्यु के बाद का आज पहला दिन था, राजमहल भी हम लोग आज पहली दफा ही जा रहे थे। खैर, कंस की मृत्यु के बाद का आज पहला दिन था,
राजमहल भी हम लोग आज पहली दफ़ा ही जा रहे थे। राजमहल देखने की जिज्ञासा तो कब से मन में संजोए हुए था, लेकिन अब तक मामा के डर से स्वयं को उससे दूर रखे हुए था। उधर राजमहल मेरे सोचने से भी कई गुना भव्य व विशाल था। वृंदावन के सबसे बड़े घर के गुमान में जीने वाले ग्वाले की तो राजमहल देख बुद्धि ही चकरा गई थी। राजमहल क्या था, एक अच्छा खासा किला नज़र आ रहा था। भीतर से इतना भव्य कि मैं एक क्षण को तो उसके अनगिनत विशाल कक्ष, बड़े बड़े खंभे और दीवारों पर लटक रही एक से एक शानदार चित्रकारियों में ही खो गया था। राजमहल की भव्यता देख मेरी तो आँखें ही चौधिया गई थी। सच कहूँ तो कच्चे घरों में रहने के आदि इस ग्वाले के लिए यह शानदार राजमहल किसी स्वप्न से कम न था। सचमुच शहर शहर होता है, धन धन होता है, राजमहल राजमहल होता है व राजा राजा ही होता है। अचानक राजमहल की भव्यता देख मेरे मन को एक मजाक सूझा। वह स्वयं से परिहास करता हुआ बोला, अरे पगले, राजा बनना न स्वीकार कर व्यर्थ इतने भव्य राजमहल से हाथ धो बैठा न। वाकई पहले मालूम होता तो शायद राजा बनने से इनकार ना करता। निश्चित ही अपनी सुस्ती भगाने हेतु ही मैं स्वयं से ऐसे परिहास कर रहा था। आप इसे सजिंदगी से कतई मत लेना। उधर स्वाभाविक तौर पर राजमहल बुरी तरह शोक में डूबा हुआ था। हमें सीधे नाना जी के ही कक्ष में ले जाया गया। नाना जी तो मुझे देखते ही लिपट पड़े, मैं भी उन्हें देखते ही गदगद हो गया। अभी कल ही तो मैं उनसे पहली बार मिला था, लेकिन देखो एक दिन के संक्षिप्त संबंध में ही हमारी आत्मीयता आसमान छू गई थी। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे। वैसे भी नाना नाती का प्रेम कुछ विशेष होता ही है, सो उस बात को छोड़ो। अभी तो कुछ देर यहाँ वहाँ की बात कर तक्षण नाना जी हमें मुख्य सभा कक्ष में ले गए। सभा कक्ष खचाखच भरा हुआ था। मथुरा के संभ्रांतों के साथ साथ मामियाँ भी वहाँ पहले से मौजूद थी। उनकी आँखों से ही लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोई हैं। भला अपना पति खोकर कौन सो सकता है। लेकिन कमाल यह कि इतनी थकान व मातम के बावजूद मुझे देखते ही दोनों में जाने कहां से घुर्राने की ताकत आ गई थी। मुंह तो ऐसे फाड़ा था मानो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। यह तो वाकई कमाल हो गया था। समय के साथ इनका क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा था। मैं पूरी तरह आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने अब तक जितने क्रोध देखे थे सब समय के साथ शांत होने वाले थे। भैया का, पिताजी का, माँ का और हाँ राधा के क्रोध का भी मैं कई बार सामना कर चुका था, लेकिन इन सभी के क्रोध को मैंने समय के साथ शांत होते ही देखा था। समय के साथ बढ़ने वाले क्रोध का यह मेरा पहला अनुभव था। हालांकि प्रथम अनुभव के बावजूद उनके क्रोध का यह स्वरूप देख मुझे इतना तो समझ आ ही रहा था कि यदि मामियों का क्रोध इसी गति से बढ़ता रहा तो आज नहीं तो कल ये मेरे लिए कोई न कोई मुसीबत अवश्य खड़ी करेंगी। दूसरी ओर संभ्रांत यादवों के भी मेरे प्रति हाव भाव कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे थे। निश्चित ही नाना जी से मेरी बढ़ती निकटता उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यानी कृष्ण महाराज नाना जी के प्रति अपना कर्तव्य जान व मन भी की उड़ाने भरने के मिले जुले कारणों से मथुरा रुक तो गए थे, पर आगे कुछ आसान नज़र नहीं आ रहा था। होगा, अभी तो मैं अपने सुरक्षा कवच नाना जी की बगल में ही बैठा हुआ था। उधर लोगों का आना अब भी जारी था। मातम भले ही सबके सर पर सवार था, पर मामियों के मातम का आलम ही कुछ और था। उनका रोना धोना तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उनके इस रोने धोने ने कंस की मृत्यु के बाद भी मुझे काफ़ी परेशान किया था, और अब भी मैं उससे परेशान हो रहा था। खैर छोड़ो, अभी तो अचानक वातावरण ने जो करवट ली उसकी चर्चा करूं। हमारे आने के कुछ ही देर बाद युवराज भी आने शुरू हो गए।
युवराजों को देखते ही मुझे रुक्मिणी की याद आ गई। उसकी याद क्या आई, टकटकी लगाती हुई मेरी निगाहें अपने आप प्रवेश द्वार पर टिक गई। मेरी बेकरारी का आलम तो यह था कि मेरी थकी हुई आंखें भी बगैर पलक झपके बड़ी बेसब्री से रुक्मिणी आगमन का इंतजार करने लगी। देखा आपने, मेरे भीतर का वातावरण कैसे पलटी खाकर हसीन हो गया। अब एक बार मन में रुक्मिणी आ बैठी, फिर मामियों के रोदन पर कौन ध्यान दे। और इसके चलते अब नज़ारा हो गया अब इसके चलते अजब नज़ारा हो गया था। इस समय 300 के करीब लोग इस विशाल व शानदार सभागृह में मौजूद थे। दाईं ओर यदि हम पुरुष बैठे थे तो बाईं ओर मामियों के साथ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई थी। निश्चित ही उसमें देवकी भी थी। वहीं वसुदेव जी व अक्रूर जी हमारे ही साथ बैठे हुए थे। यहाँ तक तो ठीक, पर जहाँ बाकी सब शांत उदास व गंभीर थे, वहीं मैं अपनी गर्दन टेढ़ी किए लगातार उस प्रवेश द्वार की ओर ही देख रहा था जिधर से रुक्मिणी के आने की अपेक्षा थी। यह शुक्र था जो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, वरना यह दृश्य देख कोई भी मुझे पागलों में गिनता और सोचता भी कि अच्छा था जो यह राजा नहीं बना। छोड़ो, कौन परवाह करता है, आशिक तो पागल होते ही हैं। अभी तो राहत की बात यह कि उसके आगमन के साथ ही हमारी निगाहें चार हुई। निगाहें चार क्या हुई, मेरी सारी थकान छू हो गई। उधर रुक्मिणी आते ही मामियों के पास बैठ गई। हालांकि मेरा आंखें चुरा चुरा कर उसको देखना अभी जारी था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं अब सामान्य तरीके से बैठ गया था, क्योंकि महारानी सामने ही विराजमान थी। उधर कभी कभार उसकी भी निगाहें क्रम हो जाया करती थी। सच कहूँ तो उसका यह बार बार का देखना मन में हजार गुदगुदियाँ पैदा कर रहा था। निश्चित ही अन्य परिस्थिति होती तो शायद मैं अपना आपा कब का खो चुका होता। लेकिन हालांकि काफ़ी हद तक तो आपा अभी खो ही चुका था। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, यह सब भूलकर रुक्मिणी को निहारने के आनंद में ही तो खोया हुआ था। तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से यह आँख मटका लंबा न चल सका। कुछ देर बाद अचानक क्या हुआ कि रुक्मिणी उठी व द्वार से बाहर निकल गई। मैं उदास हो गया। हालांकि उदास नज़रों से भी मैं देख तो जाती हुई रुक्मिणी को ही रहा था। मैं यहाँ बैठा हूँ और वह चल दी, मेरा दिल ही टूट गया। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी, मतलब साफ था मैं उसके आकर्षण में बुरी तरह फंस चुका था। अब मेरी उसकी कोई बातचीत तो हुई नहीं थी, ना ही कोई विशेष मुलाकात ही हुई थी। यानी मैंने अपनी ही ओर से यह सारा खेल आँखों ही आँखों में जमा लिया था। मज़ा यह कि गुस्ताखी आँखों ने की थी, सजा दिल भोग रहा था, वो भी इस कदर कि उसके आने पर खुशी से झूम उठे और जाते ही गमगीन हो जाए। उसकी नज़रें इनायत हो जाए तो दीवानगी छा जाए, और यदि गलती से उपेक्षा हो जाए तो प्राण ही निकल जाए। अभी मैं अपने इन्हीं सब अनुभवों के विचारों में खोया हुआ था कि अचानक मुझे ऐसा लगा मानो रुक्मिणी मुझे इशारे कर बाहर बुला रही है। मेरी तो इंद्रियों ने ही काम करना बंद कर दिया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम दिन में ही सपने देखने लग गए हो कन्हैया। रुक्मिणी तुम्हें बुलाए, वह भी राजमहल में और सबके सामने। कृष्ण, तुम बावले हो गए, किसी काम के नहीं बचे। कन्हैया, तुम्हारे मन में ही लड्डू फूट रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। बेहतर है अपनी औकात में आ जाओ व चुपचाप बैठ जाओ। बस मैं चुपचाप गुमसुम बैठ गया। अब तो नजरें भी रुक्मिणी की ओर से हटा ली
अब यह तो बुद्धि का लादा नियंत्रण था, मन तो उसे मानने से रहा। बस कम वक्त निगाहें फिर रुक्मिणी की ओर उठ गई। ऐसा लगा मानो वह मेरे नहीं जाने से क्रोधित हो उठी है, वहीं इशारे से बुला तो अभी रही है। अब तो बात पक्की हो गई, राजकुमारी ग्वाले को पुकार ही रही है। मैं मारे खुशी के पागल हो गया, उदासी पर प्रसन्नता का राज हो गया। मैं फटाक से उठा व चल दिया। क्या क्यों समझने की चेष्टा ही नहीं की। यूं भी राजकुमारियों की अदा समझ पाने की अभी इस ग्वाले की औकात ही कहाँ थी। उसके लिए तो बस राजकुमारी का हुक्म सर आंखों पर था। बस मैं तपाक से वहाँ पहुँच गया जहाँ रुक्मिणी खड़ी थी। मेरे निकट आते ही वह पलटी और फिर चलना प्रारंभ कर दी। मेरे पांव खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े। अचानक एक जगह जाकर वह रुक गई, मैं भी रुक गया। हालांकि रुकते ही कुछ जमीनस्थ अवश्य हुआ था और जमीनस्थ होते ही होश में भी आ गया। देखा तो अपने को एक ऐसे एकांत कोने में खड़ा पाया जहाँ कोई आवक जावक नहीं थी। अच्छा तो राजकुमारी ने इस हसीन मुलाकात के लिए कोना भी ढूंढ रखा था। अभी मैं इस बात को समझूं, संभलूं या मारे खुशी के झूम उठूं कि देखा रुक्मिणी बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी आंखों में आंखें डाल मुझे निहार रही है। वैसे तो मैं कल ही 3-3 कत्ल किए थे और वह भी एक से एक वीरों के, लेकिन रुक्मिणी की आँख के इस एक ही वार ने मुझ जैसे वीर को चारों खाने चित कर दिया था। उसके कत्ल करने का अंदाज ही निराला था, न तीर न तलवार न चालबाजी न दगाबाजी, फिर भी मुझे ऐसा मारा था कि मैं पानी तक नहीं मांग रहा था। अभी मैं इन सब बातों से निकलकर अपनी ओर से संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने एक सीधे सवाल से मूर्छित ही कर दिया। उसने सीधा अधिकार जताते हुए पूछा, आपने राजा बनना क्यों नहीं स्वीकारा? ऐसी कातिल नज़रों से ऐसा सवाल कतई अपेक्षित नहीं था। आज मेरा मन का गणित कुछ काम नहीं आ रहा था। मेरी सारी विशेषताएं जिन पर मैं इठलाता फिरता था धरी की धरी रह गई थी। पहले से ही बेहोश मैं सवाल सुनते ही बुरी तरह हड़बड़ा गया। मेरे ज्ञान चक्षुओं ने काम करना ही बंद कर दिया। इस पर जो कुछ कमी रह गई थी वह उसकी तेज रुआबदार आँखें पूरी कर रही थी। अब आप ही बताइए भला, मैं संभलूँ भी तो कैसे और इसका उत्तर दूँ भी तो क्या? लेकिन आज नहीं तो कभी नहीं, यही सोचकर मैं जल्द ही अपना आत्मविश्वास जगाया। आज पहली मुलाकात में ही इस तरह चारों खाने चित हो जाओगे तो जीवन भर का साथ कैसे पाओगे? सचमुच रुक्मिणी ने पहली मुलाकात में ही मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था, या यूं कहूं मैं स्वयं उसके वश में आ गया था। चाहे जो हो, इस समय तो गोपियों के लाडले कान्हा की इज्जत का सवाल आन खड़ा हुआ था। अरे बावले, अभी कल ही तो नाना जी से संतुलन बनाए रखना सीखा था, तो फिर संतुलन बनाता क्यों नहीं? राजकुमारी ही है, कोई आसमानी पड़ी तो नहीं? मैंने तक्षण स्वयं को आत्मविश्वास से भरा, अपना संतुलन बनाया, होश जगाया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि मैं अपने में राजा बनने की योग्यताएं नहीं पाता। रुक्मिणी यह सुनते ही अवाक रह गई। तत्पश्चात एक लंबी सांस लेते हुए बड़ी गंभीरता से बोली, गलत, मैं तो सफल राजा बनने के लिए केवल 3 योग्यताओं का होना आवश्यक समझती हूँ। प्रथम, जो इतना वीर हो कि अपने सिंहासन की रक्षा कर सके। दूसरा, जिसको जनता का समर्थन प्राप्त हो। और तीसरा, जो प्रजा के हित की चिंता करता हो। और मुझे तो आप में ये 3 गुण दिखाई देते हैं। आप समझ गए होंगे, वृंदावन के इस सीधे साधे ग्वाले को
कुंडिनपुर की इतनी प्रभावशाली राजकुमारी के सामने स्वयं को लगातार संभाले रखने में कितना दिक्कत आ रही होगी। बस अवाक सा खड़ा उसकी बातें सुनता रह गया। आज मेरे पास व्यक्त करने को न तो कोई भाव थे और ना ही मुंह से कोई शब्द ही फूट रहे थे। बोलूँ क्या, इस स्तर की बात कभी सुनी समझी ही होती तो कुछ कहूँ। अब तो जानते हैं कि प्रथम दृष्टि में ही मैं उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का दीवाना हो चुका था, फिर उसके भोलेपन में खो गया था। वहीं उसके रूप की दीवानगी ने तो सारी सीमाएं पहले ही लांघ दी थी और आज उसके साहस और समझदारी गुलाम बनाने पर तुले हुए थे, यानी कान्हा के अस्तित्व पर रुक्मिणी का जादू पूरी तरह छा गया था। अब जब कान्हा ही मर गया तो बोले क्या, अब कान्हा मरा था, मारने वाली तो जिंदा ही थी। सो मुझे इस कदर गुमसुम खड़ा देख वह स्वयं ही बोल पड़ी। अब कि उसके बोलने में भी गजब की दृढ़ता थी। वह सीधे आँखों में आँखें डालते हुए बोली, यह स्पष्ट समझ लो कि मेरी दृष्टि में आपका राजपाट नहीं स्वीकारने का निर्णय योग्य नहीं था। शायद आप जानते नहीं कि राजा का पुत्र न होते सोते राजा बनने का अवसर मिलना, वो भी एक ग्वाले को, यह अपने आप में एक इतिहास है। शायद आपको दोबारा यह इतिहास रचने का मौका न मिले। हो सकता है राजा के सारे गुण होने के बावजूद राजा नहीं बन पाने का गम आपको जीवन भर सताता रहे। अभी इससे पहले कि मैं उसके कहने का अच्छे से अर्थ घटन कर सकूं या उसकी बोलने की अदा पर पूरी तरह मर मिटू, कहीं से उसका भाई रुक्मी आ टपका। उसने मुझे तो बड़ी गंदी निगाहों से देखा ही, लेकिन क्या कहूँ, गुस्से में मेरी रुक्मिणी का भी हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले गया। इसके साथ ही हमारी यह हसीन व ज्ञानवर्धक मुलाकात समाप्त हो गई। एक बार फिर रुक्मी ने यह एहसास करा ही दिया कि एक ग्वाले का दिल कितना ही जोर से क्यों न धड़क रहा हो, अभी राजकुमारी उसकी पहुँच से बहुत दूर है। वाकई रुक्मी के इस व्यवहार ने मुझे अंदर तक विचलित करके रख दिया। हालांकि बावजूद इसके मेरी निगाहें जाती हुई रुक्मिणी पर लगी ही रही, पर कमाल रुक्मिणी ने कर दिखाया। इतना सब कुछ हो जाने पर भी वह पूरी तरह शांत नजर आ रही थी और बिंदास तो ऐसी कि नज़रों से ही दूर होने से पूर्व हंसते हुए हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन भी करती गई। शायद यही एक अनपढ़ ग्वाले व एक पढ़ी लिखी राजकुमारी के व्यक्तित्व में बुनियादी फर्क था। परिस्थितियां उसे विचलित कहां कर रही थी। वैसे परिस्थितियों से विचलित होने वालों में से तो मैं भी नहीं था। यह तो दिल के हाथों थोड़ा कमज़ोर हो गया था और वह भी इस कदर की रुक्मिणी चली गई थी और मैं दीवानों सा खड़ा का खड़ा रह गया था। सच कहूँ तो आज रुक्मिणी के साथ कृष्ण भी चला गया था तो बस उसका शरीर, और यदि इस शरीर में कुछ रह गया था तो वह था रुक्मिणी का चिंतन। सो बस इस समय वही एक खंभे पे हाथ रख कर रुक्मिणी के विचारों में खो गया। वाकई उसकी हर बात निराली थी। जब उसने मुझे इशारा किया था तब वह कितनी बिंदास नज़र आ रही थी और बातचीत के प्रारंभ से ही उसने कितना विश्वास जताया था मेरी काबिलियत पर। सबसे बड़ी बात तो यह कि इतनी बड़ी राजकुमारी होते हुए भी उसने एक साधारण ग्वाले के उज्जवल भविष्य में कितना रस दिखाया था, और तो और इस छोटी उम्र में भी उसका व्यक्तित्व कितना संतुलित था। रुक्मी के अचानक आ जाने पर भी वह कहाँ हड़बड़ाई थी। क्रोधित भाई साथ होते हुए भी जाते जाते वह हाथ हिलाना कहाँ भूली थी। अब मैं यह तो नहीं जानता था कि उसको मेरी योग्यता में ही रस है या मुझ में भी, लेकिन अपनी ओर से मेरा हाले दिल स्पष्ट था कि वह उसे हर हाल में पाने के लिए मचल उठा था, और इसी पाने की चाह के चलते
आज मैंने वहीं खड़े खड़े दो संकल्प लिए, एक मुझे रुक्मिणी को हर हाल में पाना है व दूसरा मुझे स्वयं को उसके काबिल बनाना है। यानी यह मौका नहीं बन पाया तो क्या, फिर भी रुक्मिणी को राजा बनकर दिखाना ही है। लेकिन क्या इतने से ही मेरा और रुक्मिणी का विवाह हो जाएगा? कहीं हमारे प्यार को रुक्मी के क्रोध का भोग तो नहीं सहना पड़ेगा? यह साला तो साला बनने से पूर्व ही मुझसे नाराज हुआ पड़ा है। उसका स्वभाव देखते हुए यह तय ही था कि वह मेरा साला न बनना पड़े। उसके अंतिम से अंतिम प्रयास कर गुजरेगा। लो, हवा में तो ऐसी उड़ाने भरने लगा मानो मैं राजा ही हो गया हूँ। रुक्मिणी ने विवाह में भी रस दिखा ही दिया हो, अतः अब रुक्मी के बाबत सोचना आवश्यक हो गया हो। पागल कहीं का, यह तो वही मिसाल हुई कि गाय खरीदने की सोच नहीं कि सीधे राजमहल माखन के भाव तौल करने पहुंच गया। अब ग्वाला हूँ तो मिसाल भी ग्वालों वाले ही दूंगा। अरे कृष्ण, मिसाल भले ही ग्वाले वाले दो, पर कम से कम ग्वालों वाली हरकत से तो बाज आओ। यह क्या सभा कक्ष छोड़ यहाँ दीवानों से खड़े हो, कुछ परिपक्वता दिखाते हुए जाकर सबके बीच बैठो। लो चल दिए। इसके साथ ही मैं वापस सभा कक्ष तो गया, लेकिन कृष्ण अब भी वापस नहीं आ पाया था। वहाँ सिर्फ उसका शरीर ही पहुँचा था। मैं तो अब भी पूरी तरह रुक्मिणी के ख्यालों में ही खोया हुआ था। मुझे रह रहकर बस रुक्मिणी का मेरी क्षमताओं पर जताया विश्वास याद आ रहा था। कमाल था, जिन माता पिता ने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया था, उन्होंने भी आज तक मेरी क्षमता पर इतना विश्वास कभी नहीं जताया था। जिस भैया के साथ मैं 24 घंटे रहता था हूँ, उन्हें भी भला मेरी काबिलियत पर इतना विश्वास थोड़े ही था। ऐसे में नाना जी व रुक्मिणी का चंद मुलाकातों में ही मेरी क्षमता पर इतना श्रद्धा दिखाना बात ताजुब में डालने वाली ही थी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मुझे तो अपनी योग्यता पर बचपन से ही विश्वास था। मैंने अपने मन स्वयं को साधारण माना ही कब था कालिया व केसी से टकराने ऐसे थोड़े ही पहुंच गया था। अर्थात मैं स्वयं को योग तो बचपन से ही मानता आ रहा था, और मैं योग हूँ उसमें कोई दो राय नहीं थी। सवाल यह कि तो फिर क्यों सिर्फ इन दो ने विश्वास जताया, बाकियों ने नहीं? इसका अर्थ तो यह हुआ कि किसी की योग्यता पहचानने के लिए स्वयं का भी योग्य होना आवश्यक है। होगा, अभी तो दोपहर होने को ही थी और लोग बाग वापस जाना शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में सभा कक्ष पूरा खाली हो चुका था। सबके जाते ही तुरंत नाना जी हमें अपने साथ भोजन कक्ष में ले गए। आहा, इतना विशाल व भव्य भोजन कक्ष, मैं तो देखता ही रह गया। वैसे भोजन कक्ष ही नहीं, अब तो मैं राजमहल की हर वस्तु को बड़े ध्यान से देख रहा था। भूल गए क्या, अब इन भव्य वस्तुओं को देखना और समझना ही नहीं, बल्कि बनवाना भी मेरी आवश्यकता हो चुकी थी। नहीं समझे, अब एक गुणवान राजकुमारी को घर लाने की तमन्ना हो तो यह सब तो करना ही पड़ेगा, तो यह सब तो करते रहेंगे। अभी तो जो बड़ी जोर भूख लगी पड़ी थी उस बाबत सोचूं, और उस बाबत भी सोचना क्या था। विशाल भोजन कक्ष में हम प्रवेश कर ही चुके थे, अपना स्थान भी ग्रहण कर ही लिया था। दास दासी भी भोजन परोसने हेतु सक्रिय हो ही चुके थे। बस रुक्मिणी का सुरूर स्वतः ही उतरने लगा था। मैं भोजन के इंतजार में भोजन कक्ष निहारने लग गया। एक साथ करीब 20 लोगों के भोजन करने की व्यवस्था थी यहाँ। हमारे बैठने का आसन तो मुलायम था ही, साथ में पीछे टेके हेतु शानदार तकिया भी उपलब्ध था। यह कम था तो सामने रखी पाट भी चांदी की बनी हुई थी व भोजन करने का थाल भी चांदी का ही बना हुआ था। साथ ही यह कक्ष एक से एक चित्रकारी से सजा भी पड़ा था। हालांकि इस वक्त भोजन ग्रहण करने हेतु
पांच ही लोग थे, यानी मेरे भैया व नाना जी के अलावा सेनापति जी व महामंत्री भी पीछे से आ चुके थे। अब उनकी वो जाने, यहाँ ग्वालों की तो निकल पड़ी थी, लेकिन यह क्या, छप्पन भोग की आस में बैठे हम लोगों को एकदम सादा भोजन परोसा गया था। यह तो भोजन का पूरा नशा ही उतर गया। इतना भव्य राजमहल और ऐसा सादा भोजन, शायद नाना जी की उम्र की वजह से होगा, या हो सकता है राजमहल कंस के शोक में डूबा हुआ हो, इस वजह से सादा भोजन परोसा गया हो। अब कारण चाहे जो हो, एक ग्वाले की छप्पन भोग खाने की इच्छा तो मन में ही रह गई थी। खैर, चाहे जैसा हो, भोजन तो हो ही चुका था। माल ख़त्म, मुहब्बत ख़त्म। अब मेरा मन राजमहल में नहीं लग रहा था, थोड़ी सुस्ती भी चढ़ी हुई थी। अब पिछले दिन किए भव्य कर्म और उस पर रात भर का जागरण, सुस्ती तो चढ़नी ही थी। अतः मैंने नाना जी से जाने की इजाज़त चाही। हालांकि इजाज़त लेने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं राजमहल में ही रुकूं। रुकना तो मैं भी चाहता था, लेकिन मेरी कूटनीतिक सावधानी मुझे राजमहल में रुकने से रोक रही थी। यादव संभ्रांत, जो पहले ही मेरी व नाना जी की निकटता से परेशान थे, स्वाभाविक रूप से मेरे राजभवन में रुकने से वे नाना जी के लिए अनेक मुसीबत खड़ी कर सकते थे। वैसे यह हकीकत है कि मेरा मन इस भव्य राजमहल में रुकने को बुरी तरह तड़प उठा था, लेकिन स्वयं के मन को समझाया जा सकता था, पर इन यादव संभ्रांतों को समझाना असंभव था। यानी चुनाव मेरी इच्छा व नाना जी की शांति के मध्य था, और स्वाभाविक रूप से विजय नाना जी की शांति की ही होनी थी। उधर नाना जी ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्हें लग रहा था कि मैं मामियों के क्रोध की वजह से राजमहल में रुकना नहीं चाहता हूँ। चलो, यह प्रकरण तो निपटा, पर शायद मुझे लगातार अचंभे में डालना नाना जी व रुक्मिणी की आदत सी हो गई थी। तभी तो नाना जी ने जाते जाते मुझे एक शानदार रथ भेंट स्वरूप दिया। मैं तो यह अनहोनी भेंट पाकर पागल ही हो गया, मारे खुशी के झूम भी उठा। कुल मिलाकर नाना जी की इस अनोखी सौगात ने मेरा दिल ही जीत लिया। इधर रथ क्या मिला, मन ने उड़ाने भरना चालू कर दिया। मन दोहरी खुशी से झूम उठा। एक तरफ जहां रथ पाने का आनंद था, वहीं दूसरी तरफ रुक्मिणी के लायक बनने की ओर अनायास ही पहला कदम उठ जाने की खुशी भी थी। कितना फर्क था वृंदावन और मथुरा के जीवन स्तर में। वहां पिताजी कभी कभार कोई नया वस्त्र ले आते तो हम खुशी से झूम उठते थे। आपको याद होगा, जिस रोज पिताजी ने नई वंशी भेंट में दी थी, मेरे पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। और यहां भेंट में सीधे रथ, वह भी शानदार व राजकीय। तभी तो कहते हैं कि बड़े शहर की हर बात बड़ी होती है, लेकिन मैंने तो तक्षण छोटापन दिखाया। रथ देखते ही मैं एक बार रुक्मिणी के सपनों में खो गया। क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब वह मेरे साथ रथ में बैठी होगी। अभी मैंने ऐसे ही हसीन सपने देखना प्रारंभ ही किए थे कि रथ चालक ने हमें रथ में बैठने का इशारा किया। तो यह भी कोई कम गौरव की बात तो थी नहीं। बस मैं और भैया बड़े शान से रथ के पीछे बैठ गए। सच कहूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही तन के बैठा हुआ था। उधर हमारे बैठते ही रथ चालक ने रथ हाँक डाला और हम सीधे अक्रूर चाचा के घर की ओर चल पड़े। रथ प्रारंभ क्या हुआ, रुक्मिणी छू हो गई और मैं पूरी तरह से रथमय हो गया। देखा आपने, मथुरा आने के बाद घटनाक्रम कितनी तेजी से घट रहे थे। हो सकता है यही बड़े नगरों की दस्तूर हो। अच्छा था मुझे यह दस्तूर रास भी आ रहा था। जीवन के जितने उतार चढ़ाव व रंग मैंने 18 वर्ष वृंदावन रहकर नहीं देखे थे, उससे तो कहीं ज़्यादा यहाँ 2 माह में ही देख चुका था। यही क्यों, प्रगति के भी वे शिखर जिन्हें वृंदावन में रहते हुए जीवन भर छूने तक की कल्पना नहीं कर सकता था, वे यहाँ आते ही सर कर लिए थे।
बस इन्हीं विचारों में अक्रूर जी का घर भी आ गया। थकान अपनी चरम सीमा पर थी, सो सीधे सोने चला गया। लेकिन सच कहूँ तो बाहर खड़ा कमबख्त रथ ठीक से सोने ही नहीं दे रहा था। वैसे भी नया नया रथ घर के बाहर खड़ा हो और नटखट कन्हैया की आंख लग जाए, यह शक के ही कहाँ था। सोना तो बाजू में रह गया और संध्या होते ही हम लोग रथ लेकर बाजार घूमने निकल पड़े। रथ में बाजार घूमने का मजा ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था मानो आज पहली बार मथुरा का बाजार देख रहे हो। हाँ, लौटते वक्त मैं मालिनी के यहाँ शरबत पीना नहीं भूला था। कितने शान से रथ से उतरकर मालिनी को गले लगाया था। वैसे तो आज वह भी अपने प्रेमी की प्रगति पर फूली नहीं समा रही थी, गले तो वह भी पूरे लहराकर ही लगी थी। यह उसका अधिकार भी था। आपको याद ही होगा कि मथुरा आगमन के प्रथम दिन ही उससे मुलाकात हुई थी। उस दिन के कृष्ण और आज के कृष्ण में कितना फर्क आ गया था। कल तक जो वृंदावन का साधारण ग्वाला था, वह आज देखते ही देखते मथुरा का वीर और पराक्रमी कृष्ण हो चुका था। और मेरे इस परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान उसी का तो था, और यह पराक्रम दिखाने का ही परिणाम था जो आज यहाँ बाजार में हर कोई मुझे सम्मान से देख रहा था। खैर, मालिनी से मिलकर तुरंत हम वापस घर की ओर चल दिए। वाकई आज की यह बाजार यात्रा एक यादगार यात्रा बनकर रह गई थी। ना सिर्फ सलीके से रथ में बैठकर बाजार घूमने का आनंद लिया था, बल्कि युवराजों सी शान का अनुभव भी किया था। कुल मिलाकर ग्वाले ने प्रगति के द्वार पर पहली दस्तक दे डाली थी। उधर घर पहुंचकर भोजन वगैरह करके हम लोग बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे। नींद गहरी आ रही थी, पर मन अब भी रथ में ही उलझा पड़ा था। हालांकि भैया कुछ देर बैठकर जरूर सोने चले गए थे, लेकिन मैं ठहरा बेचैन आत्मा। भला मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। सीधी बात है, बाहर खड़ा रथ बुरी तरह मेरी बेचैनी का सबब बना हुआ था। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने रथ चालक को बुलवाया, वह रथ लेकर यमुना किनारे निकल पड़ा। आप तो जानते ही हैं कि यमुना यूं ही मेरी दुखती नस थी, लेकिन शहर से दूर होने के कारण मथुरा आने के बाद वहाँ जाना काफ़ी कम हो गया था। पर अब हम रथ वाले थे, यानी अब कोई समस्या नहीं थी। सचमुच कुछ देर रात के अंधियारे में यमुना में पांव रख कर क्या बैठा, मन को बड़ा सुकून मिला। वैसे भी पिछले दो दिनों के तूफानी घटनाक्रमों के बाद कुछ सुकून और शांति की आवश्यकता भी थी। यहाँ तक तो ठीक, पर वापसी में मैंने रथ चलाना भी सीखा, बड़ा मज़ा आया। अब भला रुक्मिणी को घुमाने ले जाऊंगा तो रथ कोई रथ चालक को थोड़े ही चलाने दूंगा। प्रेयसी के साथ जीवन में कुछ एकांत भी तो चाहिए। खैर, घर पहुंचते ही सीधे सोने चला गया। लेकिन एक तो रुक्मिणी के प्यार ने पहले ही नींद नवाने की व्यवस्था कर दी थी, ऊपर से ये रथ दोनों मिलकर मेरी नींद के ऐसे शत्रु हो गए थे कि पूछो ही मत। हालांकि आज सोना आवश्यक था, दो दिन का जागरण था, वह थकान वाकई गहरी थी। इस समय शरीर मन का और साथ देने में असमर्थ हो गया था। अब मन चाहे लाख उड़ाने भर ले, पर शरीर तो शरीर का काम करता ही है। सो अंत में किसी तरह मैंने स्वयं को सुला ही दिया। उधर नींद पूरी क्या हुई, बुद्धि ने भी अपनी चाल पकड़ ली। आखिर अक्रूर चाचा के यहाँ कितने दिन रुका जा सकता है। महोत्सव तक तो ठीक, पर अब मथुरा में कितना दिन रुकना पड़ जाए कुछ मालूम नहीं था। वापस वृंदावन जाना कब नसीब होगा, यह नाना जी पर निर्भर करता था। वहीं राजमहल में रुकना सुरक्षा व शांति दोनों दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ रहा था, और निश्चित ही ऐसे में पिताजी एकमात्र विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। और फिर अब तो वह कारण भी मौजूद नहीं था जिस वजह से हम पिताजी के यहाँ नहीं रुक सकते थे। कंस का वध तो हो ही चुका था। हो क्या चुका था, मैंने ही किया था।
अब इतना तय कर लिया तो उधर ग्वालों का भी अब मथुरा में व्यर्थ पड़े रहने का कोई औचित्य नहीं था। बस दोपहर को उनसे मुलाकात होते ही मैंने उन्हें वापस वृंदावन जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वे हमें भी साथ चलने की जिद करने लगे। भला यह भी कोई बात हुई? इस समय हम मथुरा छोड़कर जा ही नहीं सकते थे। हमारा यहाँ रुकना अत्यावश्यक था, अतः मैंने उन्हें मथुरा की परिस्थिति से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द वृंदावन आने का आश्वासन देकर किसी तरह समझाने की कोशिश की। बाकी सब ग्वाले तो समझ गए, लेकिन उद्धव व श्रीपाद हमें लिए बगैर जाने को कतई तैयार नहीं थे। अजब नज़ारा जम गया था। राजकीय विश्रामालय की निकट ही एक सड़क पर खड़े खड़े हम लोग यह सब चर्चा कर रहे थे, और उधर सड़कों पर आते जाते लोग हमें इतनी गहन चर्चा में डूबा देख आश्चर्यचकित हो रहे थे। कई लोग दूर से ही मेरा अभिवादन भी कर रहे थे। अब मैं उन्हें जानू न जानू, पर मथुरा में कौन ऐसा होगा जो अपने राजा के हत्यारे को न पहचाने। यह सब तो ठीक, पर यहाँ ग्वालों ने काफ़ी मशक्क़त करवाई। हालांकि आखिर में सफलता मेरे हाथ लगी ही, लेकिन परेशानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जाते जाते उद्धव ने छेड़ने के उद्देश्य से पूछा, राधा से कुछ कहना है? अब इस बात का क्या जवाब देता मैं? चुप ही रहा। व्यर्थ प्रतिक्रिया व्यक्त कर 10 नए मौके देना, हालांकि मैं यह भी जानता था मामला यहीं शांत होने वाला नहीं। एक बार ग्वालों को मस्ती सूझी है तो पूरी ठिठल्ली करके ही मानेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब की श्रीपाद को मस्ती सूझी। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा, वहाँ सब लोग पूछे तो क्या कहूँ? इस बेवक्त के सवाल से मैं झुंझला उठा, और उसी झुंझलाहट में मेरे मुंह से निकल गया, जो यहाँ हुआ वह जो चल रहा है वो सब कुछ बता देना। शायद उद्धव ऐसे ही किसी जवाब के इंतज़ार में था। उसने तुरंत चुटकी ली, तो क्या कुब्जा वाली बात भी सबको बता दूँ? मैंने कहा, हाँ। उद्धव बोला, राधा को भी? मेरी तो एक चुप सौ चुप। मैंने हथियार डाल दिए। मेरे पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा न था। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। सचमुच मित्रों के साथ निखालसता का जो आनंद है, वह आनंद दुनिया का दूसरा कोई सुख नहीं दे सकता। मन तो ऐसे मित्रों से बिछड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर बिछड़ना परिस्थिति की मांग थी, सो बिछड़ना पड़ा। यूं भी जीवन में सब कुछ मन मुताबिक तो घटता नहीं, मन को तो समझाना ही पड़ता है। बस समझा दिया था। खैर, अभी तो इधर हमारे जल्द ही वापस आने का तगड़ा आश्वासन पाकर ग्वाल मंडली राजी खुशी वृंदावन जाने के लिए रवाना हो गई। पर मेरे लिए दुख की बात यह कि साथ में माँ यशोदा व नंद जी भी चले गए। कोई बात नहीं, इधर वासुदेव देवकी हमें अपने यहाँ पाकर धन्य हो गए। उनके चेहरों पर आई खुशी ने नंद यशोदा के जाने का गम काफ़ी हद तक हल्का कर दिया। यह तो ठीक, पर चूंकि पिताजी का भवन विशाल था, सो मुझे व भैया को हाथों हाथ एक एक शानदार कक्ष आवंटित भी कर दिए गए थे। कक्ष इतने शानदार थे कि इसके वृंदावन के कक्षों से तुलना ही नहीं की जा सकती थी। मुझे तो प्रवेश के साथ ही कक्ष अपना सा लगने लगा था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्यों सब कुछ होने के बावजूद मैं माँ देवकी के प्रति इतनी ममता से नहीं भर पा रहा था जितना माँ यशोदा से भरा हुआ था। शायद माँ यशोदा की 18 वर्ष पालने की ममता पैदा करने वाली माँ पर भारी पड़ रही थी। होगा, अभी तो उधर महोत्सव देखने आए सभी युवराज भी मथुरा से जा चुके थे। दुख की बात यह थी कि उनके साथ ही मेरी प्यारी रुक्मणी भी चली गई थी।
स्वाभाविक तौर पर रुक्मिणी का जाना तो दुखद था ही, पर उस पर शीतम यह कि जाते जाते हमारी दोबारा मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। हो सकता है रुक्मी उसी दिन रुक्मिणी को लेकर वापस कुंडिनपुर चला गया हो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। साला कहीं का, अब आप ही इंसाफ करिए, भला साले का ऐसे होते हैं, अब आप ही इंसाफ करिए, भला साले क्या ऐसे होते हैं। इस साले के चक्कर में तो अब इस ग्वाले का हाल बयाने काबिले, इस साले के चक्कर में तो अब इस ग्वाले का हाल बयाने काबिल ही नहीं बचा। इस दोहरी मार ने उसे पूरी तरह गमगीन कर दिया था। लड़ते झगड़ते भी राधा सामने तो थी, यह तो सामने से ही चली गई थी। अब मन मथुरा में तो छोड़ो, संसार में भी लगना बंद हो गया था। दिन दो दिन तो दीवानगी में डूबा रहा, एकदम एकांत में शांत, दुखी, गमगीन और गुमसुम। लेकिन आखिर कब तक? जब जाने वाले को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम क्यों व्यर्थ उसकी याद में दुबले हुए जा रहे हो? यूं भी मेरे स्वभाव की एक खासियत थी, वह ज़्यादा देर तक गमगीन रह ही नहीं सकता था। मस्ती मेरे स्वभाव की जड़ में समाई हुई थी, ऐसे में दुख को ज़्यादा दिन कहाँ टिकने देने वाला था। और दुख को भुलाने का सबसे आसान तरीका होता है मन को किसी दूसरी जगह लगा देना। लेकिन दिक्कत यह थी कि यहाँ मन लगाने को कुछ नया था ही नहीं। तो क्या मैंने चुपचाप नित्य कर्म में ही अपना मन लगा दिया? इसके साथ ही जीवन एक ढर्रे में ढल गया। दिन में राजमहल जाना, फिर बाजार घूमना व कुब्जा से मिलना, संध्या रथ चलाना सीखना व रात्रि माँ पिताजी के साथ रहना। इधर मन को दुख से क्या हटाया, उसका एक सुखद परिणाम भी आया। मैं जल्द ही रथ चलाना सीख गया। घट गई न प्रसन्न होने वाली घटना, बस रथ ने रुक्मिणी की जगह ले ली। मैं पूरी तरह से रथमय हो गया। जब एक बार रथ चलाना सीख लिया तो फिर रथ चालक का क्या काम, उसको मैंने वापस राजभवन भेज दिया। वाकई स्वयं रथ चलाने का आनंद ही कुछ और होता है। अब तो दिन भर मेरा रथ मथुरा की गलियों में इतराता फिरता था। ऐसे में एक दिन क्या सूझी कि देर रात्रि को मैं भैया के साथ यमुना घूमने निकल पड़ा। वापसी में खाली सड़कों पर क्या रथ दौड़ाया था, मज़ा आ गया था। सच कहता हूँ कि रथ चलाना क्या सीखा, मुझे तो मथुरा में मज़ा आने लग गया। लेकिन उधर आनंद के दुश्मन भैया का मन मथुरा में बिल्कुल नहीं लग रहा था। कारण साफ था, उन्हें न तो राजनीति में कोई रस था, न रथ चलाने में, और न ही उनके पास कुब्जा जैसी कोई मित्र थी। वैसे भैया कह तो कुछ भी नहीं रहे थे, परंतु उनके उदास हाव भाव सब कुछ बयां कर रही थी। कभी बहुत उदास हो जाते तो इतना भर पूछ लेते, क्या लगता है हम वृंदावन वापस कब तक जा पाएंगे? मैं भैया का दर्द समझ रहा था। बात सिर्फ मन लगने की थी, और भैया का मन लगाना जरूरी था, वरना या तो वे मुझे घसीट कर वृंदावन ले जाएंगे, या फिर यहाँ मथुरा में मेरा जीना ही दुश्वार कर देंगे। बस मैंने जल्द ही इसका उपाय भी खोज निकाला। हमने अखाड़े जाना शुरू कर दिया। अखाड़े जाते ही वे ऐसे रंग में रंग गए कि उन्होंने गदा अभ्यास भी दोबारा प्रारंभ कर दिया। उधर चानूर और मुष्टिक मथुरा के दो सबसे बलिष्ठ मल्लों को हमने तो पहले ही मार गिराया था। अब कौन था मथुरा में जो भैया का मल्लयुद्ध में सामना कर पाता? भैया मथुरा के छुट भये पहलवानों को हरा कर प्रसन्न रहते थे। उधर भैया ने अखाड़े जाना क्या शुरू किया कि देखते ही देखते पूरी मथुरा में उनकी वीरता का सिक्का जम गया। निश्चित ही भैया को अखाड़ा पूरी तरह रास आ गया है था।
मैं मुक्त हुआ। अब मुझे उनके साथ रोज जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। वे खुद ही अपने बल का रुआब झाड़ने अखाड़े पहुंच जाया करते थे। वैसे अक्सर कुब्जा को लेकर भैया की हौसला अफजाई करने मैं भी अखाड़े पहुंच जाया करता था। कई बार कुब्जा के चढ़ाने पर मैं भी अपने दो चार हाथ अखाड़े में दिखा दिया करता था। वैसे अब तक भैया का अभ्यास तो इतना पक्का हो चुका था कि उन्हें अब चार चार पहलवानों के साथ अकेले भिड़ना पड़ता था, और हद तो यह कि तब कहीं जाकर उन्हें कुछ संतोष होता था। उधर भैया के चढ़ाने पर कभी कभार मैं भी गदा अभ्यास कर लिया करता था। वहीं भैया की बात करूं तो उनका तो अखाड़े में इस कदर मन लग गया था कि उन्होंने राजमहल आना जाना ही बिल्कुल कम कर दिया था। यह तो ठीक, पर खुशी की बात यह कि वहीं धीरे धीरे कर अखाड़े में भैया की दो तीन मिष्ठान की दुकान वालों से अच्छी मित्रता हो गई थी। यानी भैया का समय भी कट रहा था और मुफ्त में श्रेष्ठ पकवान खाने को भी मिल रहे थे। साथ ही दिन ब दिन मथुरा में वट तो बढ़ता ही जा रहा था, सो अलग। इधर मैं राजभवन बिना नागा रोज आया जाया करता था। मंत्रिमंडल की चर्चाएं भी नियमित रूप से सुना करता था। नाना जी भी मेरा उत्साह बढ़ाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। नाना जी की लगातार हौसला अफजाई से मेरा आत्मविश्वास भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब तो कोई बात समझ में आए तो मैं अपनी राय देने से भी नहीं हिचकता था। उस पर मेरी बुद्धिमत्ता की तारीफ हो जाए तब तो कहना ही क्या, तक्षण उड़ने लग जाता था। अभी परिपक्वता ही कितनी थी। अब पता नहीं कि मैं वाकई बुद्धिमानी की बातें करता था या नाना जी वैसे ही मौके बेमौके मेरा उत्साह बढ़ाया करते थे। अब उनकी ओर से कारण जो भी हो, यहाँ तो परिणाम से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दिन ऐसे ही मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी कि सेनापति जी ने सबका ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया। मैंने भी बात ध्यान से सुननी प्रारंभ की। यूं भी मुझे महत्व देने हेतु नाना जी ने मेरा एक छोटा सा सिंहासन अपनी बगल में ही लगवा लिया था। बाकी चारों ओर दरबारियों के बैठने की व्यवस्था थी। उधर सेनापति का कहना था कि कंस के शासन काल में कुछ सेना मगध से आई थी, जिसे कंस ने बाद में अस्थाई नियुक्ति दे दी थी, लेकिन अब कंस वध के बाद सेनापति को उनकी विश्वसनीयता पर शंका हो रही थी। उनका मुख्य सवाल था कि ऐसी हालत में उन्हें रखना या निकालना। वैसे नाना जी भी यह बात तो मान ही रहे थे कि जो मगधी सैनिक कंस के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, वे शायद आज राजभवन के प्रति उतने वफादार नहीं रहे। लेकिन निर्णय करना जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं था, क्योंकि मगधी सेना को हटाने का अर्थ था जरासंध से दुश्मनी, और जरासंध को दुश्मन बनाने से हर कोई घबरा रहा था, विशेषकर नाना जी। वैसे उनका इस कदर घबराना पूरी तरह से जायज भी था। वो जरासंध की ही तो ताकत थी जिसने ना सिर्फ उनकी राजगद्दी छीन ली थी बल्कि वर्षों तक उन्हें कैद खाने में सरने पर मजबूर भी किया था। वैसे सेनापति जी ने जब पूरी बात बताई तो मालूम हुआ कि उनकी चिंता विश्वसनीयता से भी दो कदम आगे की थी। उन्हें डर था कि जरासंध के इशारे पर ये मगधी सेना कहीं विद्रोह पर ही न उतर आए। उधर देखते ही देखते महामंत्री जी भी सेनापति के समर्थन में उतर आए थे, और
उनसे भी दो कदम बढ़कर बात यह कि वे दरअसल वर्तमान समस्या से भी बहुत आगे की सोच रहे थे। विश्वसनीयता के अलावा उन्हें अपने राजकीय कोष की चिंता भी प्रमुखता से खाए जा रही थी। निश्चित ही कंस के राज में राजकीय कोष की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि कंस ने मथुरा के राजकीय कोष की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अतः राजकीय कोष की हालत के मद्देनज़र आज की तारीख में मथुरा मगधी सैनिकों की तनख्वाह का बोझ किसी कीमत पर नहीं उठा सकती थी। यह महामंत्री जी का स्पष्ट सुझाव था। अब चूंकि समस्या गंभीर व बहुमुखी थी, अतः एक लंबे विचार विमर्श का दौर चल रहा था। मुझे भी समस्या और चर्चा दोनों रसपूर्ण मालूम पड़ रहे थे। मैं चर्चा बड़े ध्यान से सुनने लगा। पक्ष विपक्ष में दी जा रही एक एक राय मैं अपने जहन में बसाए चले जा रहा था। साथ ही समस्या से निपटने हेतु मैंने अपनी दिमागी कवायदें भी चालू कर दी थी। वैसे जीवन में पहली बार इतना बुद्धिमत्तापूर्ण विचार विमर्श सुन रहा था। सच कहूँ तो शुरू शुरू में इस वजह से मेरी हालत बड़ी अजीब सी हो गई थी। जब प्रस्ताव के पक्ष में कोई तगड़ी राय देता तो मेरा मन उसके साथ हो जाता, फिर जब कोई विपरीत राय प्रकट करता तो मन उसके बहकावे में आ जाता। हालांकि यह खेल बहुत लंबा नहीं चला, धीरे धीरे बात मेरी समझ में आने लगी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ ही देर की चर्चा सुनने के बाद मैं इस विषय पर अपनी एक राय भी बना चुका था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। डर रहा था कि कहीं यह मूर्खता का प्रदर्शन न साबित हो जाए। उधर चर्चा के अंत में एक आश्चर्य घटा। जब तमाम विचार विमर्श के बाद निर्णय की बारी आई, तब निर्णय लेने से पूर्व नाना जी ने इस विषय पर मेरी राय भी जाननी चाही। एक क्षण में हजारों भावों व विचार मेरे मन में आए और गए। एक मन ने तो स्पष्ट कह दिया कि मुंह ही मत खोलना। एक मन ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि मुंह ही मत खोलना कन्हैया, वरना इज्जत का ढोल बज जाएगा। हालांकि तत्क्षण दूसरे मन ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, पागल मत बन, अपनी समझदारी व्यक्त करने का हाथ लगा ऐसा मौका कहीं छोड़ा जाता है? मैं बुरी तरह फंस गया था, कभी एक मन के साथ तो कभी दूसरे मन के साथ। पहले चर्चा विचरण के तर्क वितर्कों ने मुझे झुलाया था, अब मेरे ही मन मुझे झुलाने पर तुले हुए थे। उधर मुझे इस तरह असमंजस में फंसा देख नाना जी ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, बेधड़क होकर अपनी राय व्यक्त करो कन्हैया, एक मैं ही नहीं पूरा दरबार इस विषय पर तुम्हारी राय जानना चाहता है। अब उत्साह व आत्मविश्वास तो मेरे भीतर वैसे ही कूट कूट कर भरा हुआ था। ऊपर से नाना जी चिंगारी लगा ही चुके थे। मैं तत्क्षण पूरे आत्मविश्वास से बोलने को खड़ा हो गया। मैंने कहा, मथुरा के राजकीय कोष की हालत व मगधी सेना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। मेरे विचार से मगधी सेना की बर्खास्तगी के लिए यह दो कारण पर्याप्त हैं, और जहाँ तक जरासंध का सवाल है तो वह कभी भी महाराज का मित्र नहीं रहा है। मथुरा एक बार को जरासंध से तो निपट सकती है, परंतु यदि मगधी सेना विद्रोह पर उतर आई तो भारी पड़ सकता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि घर में ही पल रहे दुश्मन से निपटना हमेशा मुश्किल होता है। इतिहास गवाह है कि रावण जैसे शक्तिशाली को भी घर के भेदी विभीषण के कारण हार का मुंह देखना पड़ा था। गौर करने लायक बात यह भी है कि हम सभी जानते हैं कि कंस ने अपने शासन काल में
मगधी सेना को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रखी थी। निश्चित ही इससे स्थानीय सैनिकों के मन में असंतोष रहा होगा और स्वाभाविक तौर पर कंस के राज में यह असंतोष दबाना उनकी मजबूरी भी रही होगी। अब कंस वध के बाद न सिर्फ उनका वह असंतोष भड़क सकता है बल्कि उनकी सोई उम्मीदें जाग भी सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बैठे बिठाए मथुरा की सेना का विभाजन हो जाएगा और कहने की ज़रूरत नहीं कि विभाजित सेना सेना न होने के बराबर है। अतः मेरी यह स्पष्ट राय है कि वर्तमान में मौजूद सारे कारण मगधी सेना की बर्खास्तगी के ही विकल्प को चुन रहे हैं। इतना कहकर मैं तो बैठ गया, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मेरी राय ने काफ़ी वाहवाही लूटी। सभी ने ना सिर्फ मेरी काफ़ी प्रशंसा की बल्कि मगधी सेना को तत्कालिक प्रभाव से बर्खास्त भी कर दिया गया। इस तरह मेरी एक राय ने मुझे ना सिर्फ नाना जी का दुलारा बना दिया बल्कि मंत्रिमंडल के सामने मुझे एक समझदार व्यक्ति के रूप में स्थापित भी कर दिया। उधर जैसा कि मुझे उम्मीद थी, स्थानीय सैनिकों में भी इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। सबने जश्न भी मनाया। वहीं मगधी सेना की हकालपट्टी से मथुरावासियों के दिल में भी राजमहल के प्रति एक विश्वास जगा। वर्षों बाद पहली बार आम प्रजा राजमहल के निकट आई, इस कारण भी बिल्कुल साफ था। कंस के शासनकाल में आम प्रजा पर सारे अत्याचार इन मगधी सैनिकों ने ही किए थे। अतः स्वाभाविक तौर पर उनके निष्कासन के साथ ही मथुरावासी राजमहल को अपना हितैषी मानने लगे। चारों ओर राजा उग्रसेन की जय जयकार हो गई। तो जय जयकार में यह नाती भी पीछे नहीं था। एक तरफ जहां मथुरा में मेरी ख्याति बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ मेरी वीरता के डंके पूरे आर्यावर्त में भी बजने शुरू हो गए थे। आप तो जानते ही हैं कि एक इंद्र पूजा रुकवाने ने मुझे आर्यावर्त में कुछ प्रसिद्धि तो पहले ही दे दी थी। उस पर कंस वध ने तो उस प्रसिद्धि में चार चांद ही लगा दिए। एक छोकरे ने कंस को मार डाला, यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी। यहाँ यह बात भी गौर करने लायक है कि आम तौर पर आर्यावर्त में ख्याति कुछ पराक्रमी राजाओं व चंद श्रेष्ठ आचार्यों की ही फैला करती थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो आर्यावर्त के इन ख्यातनाम लोगों में मैं ही एक अपवाद था। मैं न तो राजा था, न युवराज, न मंत्री था, न सेनापति, और न तो आचार्य था, न ही कलाकार। फिर भी कमाल देखो कि आज प्रसिद्धि में मैं किसी से कम नहीं था। तभी तो कहता हूँ कि मनुष्य कहाँ पैदा होता है या किन हालातों में पलता है, यह कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह कि उन हालातों से वह कितना सीखता है। खैर, इधर मैं और मेरा नित्य कर्म और कुछ था ही नहीं। यहाँ दरबार में जाना, माता पिता के साथ भोजन करना, कुबजा से मिलना और रथ चलाना। रथ चलाने से याद आया, परिवर्तन के नाम पर एक परिवर्तन आया था कि अब रथ चलाने में मैं दिन ब दिन माहिरात हासिल करता जा रहा था। दो सुंदर बलिष्ठ व श्वेत रंग के घोड़ों से चलायमान यह रथ अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रहता था। तेज गति से जाते हुए रथ को अचानक रोकना और क्षण भर बाद ही उसे चारों दिशा में घुमा डालना तो अब मेरे बाएं हाथ का खेल हो चुका था। चलो यह भी ठीक, यहाँ परिवर्तन की बात क्या करी, परिवर्तन की एक तगड़ी उम्मीद ने दस्तक भी दे डाली और आश्चर्यजनक रूप से इस परिवर्तन के निमित्त
भैया बनकर उभरे। हुआ यह कि ऐसे ही एक रात्रि में मैं भैया के साथ अपने रथ पर मथुरा का चक्कर लगाने गया हुआ था। अचानक भैया को क्या सूझी कि उन्होंने कहा, कन्हैया यह मिष्ठान का व्यवसाय अच्छा है, क्यों न हम यह व्यवसाय करें। मुझे तो बात तुरंत जम गई। वैसे भी मैं तो जीवन में आगे बढ़ना चाहता ही था, और आप यह भी भली भांति जानते हैं कि इसकी वजह रुक्मिणी व सिर्फ रुक्मिणी थी। सो भैया ने बात क्या छेड़ी, मैं तो सपनों में ही खो गया। दुकान पर बैठकर पकवान बेचते सेठ कन्हैया, लेकिन सपने सपने होते हैं, हकीकत उससे कई कड़वी होती है। साधारण विचार विमर्श से ही समझ आ गया कि दुकान डालने हेतु हमारे पास धन है ही कहाँ। कुल मिलाकर विचार सकारात्मक होते हुए भी उस पर अमल करने का कोई मार्ग न था, और इसके साथ ही मुझे यह भी अच्छे से एहसास हो गया कि गरीब ग्वालों का आगे बढ़ना उतना आसान नहीं। मैं तो ठीक, लेकिन भैया इससे बड़े उदास हो गए, और आप तो जानते ही हैं कि देखने को मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर भैया को उदास देखना मेरे बस की बात नहीं। फलस्वरूप भैया की उदासी ने मुझे हताश के गहरे गर्त में धकेल दिया। फलस्वरूप भैया की उदासी ने मुझे हताशा के गहरे गर्त में धकेल दिया। हालांकि यहाँ समय ने पलटी खाते हुए परिवर्तन की चल रही हवा की पुष्टि भी कर दी। जल्द ही नाना जी ने मेरी उदासी तार ली। पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात विस्तार से बता भी दी। बात सुनते ही पहले तो वे हंस दिए, और कुछ देर बाद जब संभले तो सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बस इतनी सी बात। अभी मैं उनके इस अंदाज का मतलब समझ पाऊँ उससे पहले तक्षण उन्होंने राजभवन से हमें सामान्य वार्षिक शुल्क पर 100 गायें दिलवाने की व्यवस्था कर डाली। लो हो गई व्यवसाय। उधर जब मैंने यह खबर भैया को सुनाई तो वे झूम उठे। अब तो उन्हें संभाले कौन, वे तो बैठ गए पकवानों की सूची बनाने। उत्साह इतना कि इसकी चर्चा के अलावा उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सामान्यतः भैया शांत प्रकृति के आदमी थे, उत्साह उनका स्वभाव न था, लेकिन मानना पड़ेगा कि इस समय उत्साह के मामले में उन्होंने मुझे भी मात दे दी थी। व्यवसाय की रूपरेखा तो रातों रात तैयार कर ली गई थी। दूसरे दिन सबसे पहले हमने कुछ चरवाहे नियुक्त किए जिनका कार्य गाय चराना था, और अरे भाई, अब हम व्यवसायी हो गए थे, कोई ग्वाले थोड़े ही थे जो स्वयं गाय चराने जाते। उधर जब पिताजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी हमारा उत्साह बढ़ाने हेतु अपनी जमा पूंजी में से कुछ हमें सहायता स्वरूप दी। हमने जल्द ही उस राशि से एक तबेला खोल लिया। अब स्वभाव से वैसे ही हम ग्वाले थे, अतः मेहनत से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बस उत्साहित मैं और भैया दिन रात भिड़े हुए थे। व्यवसाय जमता गया। आप मानेंगे नहीं कि अगले 2 माह में ही हमने न सिर्फ बाज़ार में एक दुकान खरीद ली, बल्कि मिष्ठान की उस दुकान का शुभारंभ भी हो गया। दूध, दही, माखन और मिश्री से बने एक से एक पकवान वहाँ उपलब्ध थे। व्यवसाय बढ़ता गया। व्यवसाय के साथ ही हमारी मेहनत व लगन भी बढ़ती गई। देखते ही देखते मथुरा के तीनों प्रमुख बाज़ारों में हमारी दुकानें हो गई। हालांकि तीनों दुकान भैया ही संभालते थे। मज़े की बात तो यह कि भैया दुकान पर इतना तन के बैठते थे मानो कोई मथुरा का नगर सेठ बैठा हुआ हो। उधर मथुरा के सभी यादव संभ्रांत जो पहले ही हमसे अकारण नाराज थे,
हमारे बढ़ते हुए व्यवसाय ने उनकी नाराजगी की आग में घी का काम किया। उन्हें लग रहा था मानो हम उनका व्यवसाय मार रहे हैं। बात भी सही थी, उनकी पुरानी व प्रतिष्ठित दुकानों के मुकाबले हमारी दुकानों में ग्राहकी ज़्यादा थी। कारण चाहे मेरा व भैया का व्यवहार हो या मिष्ठानों की ताजगी व गुणवत्ता या फिर हमारा राजकीय प्रभाव ही इसमें सहायक क्यों न हो, हाँ लेकिन हकीकत यही थी कि हमारा व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा था और इसी फलते फूलते व्यवसाय के साथ हमारे दिन मथुरा में चैन से कट रहे थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।